यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ आप। नहीं, ये क्या नाम तुम्हारा? यस, आ जाओ। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट थर्ड है, कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या है? फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं। इसी को मूल अधिकार भी बोलते हैं। तो ये मूल अधिकार हैं क्या? सबसे पहली बात तो मूल अधिकार का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? कि वे अधिकार जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। कौन सा विकास? मतलब यदि फंडामेंटल राइट ना होते इस चैप्टर में, तब क्या होता? ये नेचुरल राइट हो जाते। मतलब ये है कि किसी भी देश में जो इस तरह का है, जिसमें मनुष्य रहते हैं और वो मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई देश काम कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स उन्होंने ना भी लिखे हों तो भी ये माना जाएगा कि उनके सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे एक देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में नहीं है, अलिखित संविधान बोलते हैं। अलिखित संविधान क्या है फिर? अलिखित संविधान जो उनके पुराने परंपराएं हैं। क्या चीज है? पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का वो कंटिन्यू निर्वहन करते हैं। वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, दो सदन है संसद के। एक सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक सदन का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वही सुप्रीम कोर्ट है। क्या समझ में आई? जो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो वहां का उच्च सदन है, वही सुप्रीम कोर्ट भी है और उसके ही डिसीजन फाइनल होते हैं। तो उसके द्वारा तय की हुई परंपराएं, तय की हुई परंपराएं, वो उन परंपराओं के अनुसार चलते हैं और वही परंपराएं वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने पढ़ा है, वहां की बहुत सारी परंपराओं को पढ़ा है। मेरे पॉलिटिकल साइंस भी एक सब्जेक्ट था, तो उस पॉलिटिकल साइंस में मैंने 6 देशों के संविधानों को अच्छे से पढ़ा। जैसे अमेरिका का पढ़ा, रूस का पढ़ा, स्विट्जरलैंड का पढ़ा, इंग्लैंड का पढ़ा, तो उन संविधानों में कंपैरेटिव स्टडी भी की। तो देखा कि फंडामेंटल राइट्स तो सब जगह हैं। एक तो 1248 में ये सबसे पहले, एक नाम सुना होगा मैग्ना कार्टा, है ना? तो ये पहला अधिकार पत्र था तो ब्रिटेन में ही, ब्रिटेन का ही है ना। तो सबसे पहले जनता ने अपने अधिकारों की मांग की थी कि हमारे हमारा भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे अधिकार होने चाहिए। तो ये सबसे पहले डिमांड हुई और यही डेवलप होते होते फंडामेंटल राइट्स के तौर पे तब्दील हो गया। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो यूएस के संविधान की स्टडी हमने बहुत अच्छे से की, क्योंकि यूएस दुनिया में सबसे समृद्ध देश था, तो उस देश की अच्छी चीजों को हमें निकालना था। और देश समृद्ध क्या है? वहां के लोग समृद्ध, देश समृद्ध, तो लोग ही तो समृद्ध करने हैं। तो लोग कैसे समृद्ध हों? तो यही सब चीजें हम वहां से उठाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए। फंडामेंटल राइट्स आए कहां से हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आए?
अमेरिका के संविधान से, क्योंकि दो चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज है फंडामेंटल राइट्स और दूसरी चीज है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस के पीछे कारण क्या है? इनकी इंपॉर्टेंस के पीछे बड़ा कारण है क्योंकि पहला लोगों को अधिकार देता है, दूसरा जो शासन की व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, वो सारी की सारी ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जो लोगों के कल्याण के लिए होगी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक में अधिकार दिए, दूसरे में सरकार को भी ये कहा कि तुम सारी पॉलिसीज केवल और केवल कैसी बनाओगे, लोगों के वेलफेयर की बनानी है आपको, आप अपने वेलफेयर के नहीं। सरकार किस लिए बनाई जाती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इससे ये तो इसी से तो विकास होगा। सर्वांगीण विकास क्या है, क्या है ये विकास, किस तरह का डेवलपमेंट है? एक नागरिक शानदार पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको जीवन यापन करने की जो आवश्यक चीजें हैं वो उसे अच्छे से मिलें, लोगों के प्रति आपस में कोई भेदभाव नहीं हो, एक ऊंचा हो जाए एक नीचा हो जाए, मतलब फर्टाइल लैंड सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, प्लेइंग लेवल फील्ड एक जैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें कौन देता है? फंडामेंटल राइट्स। यदि देश में फंडामेंटल राइट्स ना हो तो हमारे पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये राइट्स दे रखे हैं। अब बात आती है कि इन राइट्स किनके विरुद्ध दे रखे हैं, कौन गड़बड़ कर सकता है? गड़बड़ करने वाली एक ही यूनिट हो सकती है, वो हो सकता है राज्य। कौन हो सकता है? राज्य। कोई और आदमी करेगा तो उसके लिए तो कानून है, उसे जेल भेजेंगे। मान लो किसी के जीवन के लिए खतरा बन गया है कोई आदमी, तो FIR दर्ज कराता है तो वो अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। लेकिन स्टेट का क्या, स्टेट का क्या करोगे? तो स्टेट का गड़बड़ कर सकता है। कौन कर सकता है? स्टेट। तो देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट टू स्टेट है। क्या है? अगेंस्ट टू स्टेट, राज्य के विरुद्ध है। सारे राइट्स को देखोगे तो सब राइट किसके विरुद्ध जा रहे हैं? राज्य के विरुद्ध, सिवाय एक आध छोड़ के। जैसे मान लो किसी आदमी को किसी ने पकड़ लिया है, बंद कर दिया है, तो हैबियस कॉर्पस एक रिट जारी होती है, तो चाहे प्राइवेट व्यक्ति पकड़े चाहे सरकार पकड़े, उसको कोर्ट के सामने पेश करना होता है, भाई तुमने पकड़ा क्यों इसको। लेकिन दूसरा पकड़ेगा तो IPC में व्यवस्था है उसके लिए, पनिशेबल ऑफेंस है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आ जाएगा। मान लो किसी को किसी ने बैठा लिया तो अपराध हो गया, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, उसमें चला जाएगा, जेल चला जाएगा वो आदमी। लेकिन सरकार का क्या? सरकार ने बैठा लिया, सरकार ने पकड़वा लिया किसी को, तो CRPC में बताया था ना 97-98, CRPC के 97-98 बताया था, तो मजिस्ट्रेट भी कहेगा लेके आओ, तो पुलिस भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। पुलिस तो एक बहुत छोटी सी यूनिट है, वो भी किसके लिए है? अच्छे लोगों के वेलफेयर के लिए ही है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लोगों के सहयोग के लिए है। तो ये किसके विरुद्ध है? राज्य के। तो मैंने बताया 12, तो 12 में क्या है यदि हम एक लाइन में कहें तो 12 का टाइटल, हाँ भाई 12 का टाइटल क्या है? हाँ है? नहीं आया तो उससे तेरे क्या असर पड़ेगा? तेरे को क्लास पढ़नी थी, नहीं आया तो घर से वो तो वहां से पढ़ ली तेने, वहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसे होगा तू तैयारी कर रहा है। राज्य की परिभाषा है, किसकी है? राज्य की परिभाषा से अपने वन लाइनर बनाते चले जाओ, एक एक लाइन की, एक एक लाइन की, जो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट,
जो उसमें लिखा हुआ है उस शब्द को हटाते चले जाओ, वहां परिभाषा लिखा हुआ है आप लिख लो पहले से ही राज्य की परिभाषा, और एक लाइन में राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब में सीधे सीधे कौन आया, केंद्र की सरकार, राज्य वो संसद, राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल और अन्य स्थानीय प्राधिकारी, सारे के सारे स्थानीय प्राधिकारी इसमें आ जाते हैं। मतलब सब हो गया, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कानून बनाती है जो पार्ट थर्ड के अंगेंस्ट है, तो वो कानून भी अनलॉफुल डिक्लेयर कराया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया जा सकता है, अनलॉफुल की बजाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी है, वो भी सरकार है, वो भी क्या है, सरकार की जगह पर राज्य है, स्टेट है, वो भी स्टेट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी स्टेट है। ऐसे ही आपने नोट्स पढ़े होंगे तो उन नोट्स में ये पढ़ा होगा जैसे कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेट में आते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, मान लो हाई कोर्ट को कुछ रूल्स बनाने के लिए अधिकार दिया हुआ, हाई कोर्ट रूल्स बनाता है, कौन से रूल्स, जैसे आपके सिलेक्शन के रूल्स कौन बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, फिर वो राज्यपाल के साइन के लिए वो भी जाते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं, तो हाई कोर्ट रूल्स बनाता है। ऐसे ही हाई सीपीसी पढ़ाएंगे तो सीपीसी में कुछ रूल्स हाई कोर्ट बनाता है, सीपीसी के कुछ नियमों को हाई कोर्ट बनाता है, वो भी सरकार के माध्यम से राज्यपाल के साइन वगैरह के लिए जाते हैं, वो कानून विधानसभा में नहीं बनते हैं, काय में बनते हैं, हाई कोर्ट बना रहा होता है। एक शब्द पढ़ा है आपने, प्रत्यायोजित विधायन, पढ़ा है ये शब्द, है नहीं पढ़ा, क्या है इसका, है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं प्रत्यायोजित विधायन को, है विधेयक, तो कुछ तो बोलते होंगे, भाई जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नाम सुना है क्या ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब पावर्स को दूसरे को डेलीगेट कर दिया और दूसरा ऑन बिहाफ ऑफ, देखो लॉ मेकिंग यूनिट दो ही है, लॉ मेकिंग यूनिट्स दो ही हैं, कौन कौन सी, संसद और विधान मंडल, पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर, दो ही हैं। फिर हाईकोर्ट कैसे बना रहा है, यूनिवर्सिटीज अपने नियम कैसे बना रही हैं, और इंस्टीट्यूशन कैसे बना रहे हैं, इनको वो पावर, चूंकि सारे वो नहीं बना सकते, और वो क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां जो विधायक चुन के जाते हैं उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों की सामान्य जानकारियां तो होती हैं, लेकिन जहां एक्सपर्ट कानून बनने होते हैं तो वो एक्सपर्ट कानून कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कोई एक्ट बनाना है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्ट बनाया जाना है उन एक्ट की भाषा ही नहीं समझ में आएगी उनके, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आईटी एक्ट पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसकी भाषा आसानी से आपको समझ में नहीं आती तो विधायकों को कैसे आएगी, लॉ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है, वो कैसे समझाएंगे, जैसे डिजिटल सिग्नेचर को वो कैसे समझाएंगे क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, वो प्राइवेट की और जनरल की के बारे में कैसे समझ आएगी, उन्हें तो नहीं आएगी समझ, तब क्या होगा। ऐसे काम एक्सपर्ट्स को दे दिए कि एक्सपर्ट्स ही उस पर कानून बनाए, एक्सपर्ट्स ही उस पर कानून बनाए, ये कौन सा कहलाता है,
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन, ठीक है ना। इसलिए स्टेट की डेफिनेशन में जो अदर अथॉरिटीज इसलिए डाली गई हैं, समझ में आ गई आपको कि अदर अथॉरिटीज क्यों डाली गई हैं, अदर अथॉरिटीज क्यों डाली गई हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। राज्य की परिभाषा में किसी को कोई कहा, फिर आर्टिकल 13 दे रखा है, आर्टिकल 13। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, दो, एक है केस लॉ और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, जो बेरेक्ट में दिया हुआ वो कानून, तो एक साथ सारा एक साथ पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ने की कोशिश करोगे तो पता लगा बेरेक्ट वाली बात को भूल गए, केस लॉ वाली याद है, केस लॉ वाली भूल गए, बेरेक्ट वाली याद है। तो एक बार कौन सी चीज पक्की करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बेर बातें हैं, बेर मतलब इसके साथ कोई और जुड़ी हुई नहीं है, इसका जो केस लॉज हैं वो लॉ कैसे बने, वो इसलिए बन गए कि उसकी जो भावना है, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को एक्सप्लेन किया उन्होंने कि ये कहना चाहता है। जैसे जीवन का अधिकार हर आदमी को है, लेकिन जीवन क्या है, एक तरह से वायु, अच्छी वायु, स्वच्छ वायु लेना। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि स्वच्छ वायु लेना व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, स्मोकिंग कोई नहीं कर सकता पब्लिक प्लेस पर। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के बेर एक्ट में नहीं लिखी हुई है, उसी चीज को आर्टिकल 21 को आगे बढ़ाकर उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो वो केस लॉज हैं। तो पक्का एक बार बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है वो पक्का याद करना है, फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं उन आर्टिकल को पूरा ऐसे याद करना है मानो आत्मसात है, जैसे हमने प्रीएम्बल को किया, ऐसे ही ये वाले पार्ट आपको पक्के याद करने ही हैं। फिर हर क्लॉज पर, हर आर्टिकल पर उसमें बना हुआ केस लॉ, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ठीक है, ऐसे याद करने हैं। फिर हम आते हैं आर्टिकल 13 पे। तो आर्टिकल 13 में कुछ बातें बता रखी हैं, आर्टिकल 13 कल मैंने बता तो दिया था, है ना, आर्टिकल 13 बताया था। तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से पूर्व के लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो कानून है, कौन से कानून, पहले के कानून के संबंध में यह कहता है उसी सीमा तक वॉइड है जिस सीमा तक, है ना, उसके इनकंसिस्टेंट है, एज इट इज उतार लो लाइन को, अब उतारो ये सब चीजें साथ साथ, पढ़ो ही मत, साथ के साथ वो लाइन जितनी बोलू उतनी उतारो, जहां जहां कहूंगे इसका इतना ही उतारना है उतना ही उतारना, लिखते चले जाओ, एज इट इज उतार लो इसको 13(1) को। अब 13(1) पे, 13(1) पे केस लॉ है, तो उन केस लॉज को, उन केस लॉज को अलग अलग लिखाएंगे। वैसे तो मैंने आपको नोट्स मिल गए क्या कॉन्स्टिट्यूशन के, नहीं मिले तो मिल जाएंगे जिसके, और जिनको मिल गए वो, इन पर सारे केसेस, केस लॉज मैंने उसमें डाल रखे हैं, सारे के सारे डाल रखे हैं। लेकिन हमारे लिए चुनौती पहले इसका बेरेक्ट याद करना बहुत जरूरी है। तो 13(1) फटाफट लिखो, 13(1) में कुछ भी नहीं, एज इट इज उतार लो, उतार लिया, पता है देखो क्या कहा कि संविधान से पहले बहुत सारे कानून थे, उन कानूनों को
इस लाइन को लिख देने से वो कानून किस स्थिति में आ गए, वो वॉइड हो गए हैं। अब इस संबंध में क्या है कि अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे मैंने कल लॉ ऑफ एक्लिप्स के बारे में चर्चा की थी कि जब दूसरा कानून आ जाता है तो उसको आच्छादित कर देता है। मान लो तेरे एक को हटा दे तो वो कानून क्या होगा, पुनर्जीवित हो जाएंगे। क्या होगा, पुनर्जीवित हो जाएंगे जितने भी कानून। उन कानूनों के संबंध में क्या कहा, जिस सीमा तक वो पार्ट थर्ड के अंगेस्ट हैं। इसका मतलब पूरे के पूरे कानून समाप्त नहीं किए, उस सीमा तक, जिस सीमा तक इनकंसिस्टेंट है किसके, पार्ट थर्ड के, उतना ही किया है। मान लो पूरा का पूरा कानून है। अब देखो क्या समझ में आई, अभी आप इससे पहले जो एक्ट आपने पढ़े अठारह सौ साठ की आईपीसी पढ़ रहे हो, तो वो आईपीसी खत्म हो गई क्या तेरे एक को लिखने से? ना, आईपीसी में अगर कुछ ऐसा होता जो फंडामेंटल राइट्स के अंगेस्ट होता, पार्ट थर्ड के अंगेस्ट होता, उसे या तो शून्य समझा जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट शून्य कर देगा। जैसे मिट्टू वर्सेस स्टेट में सेक्शन 303 आईपीसी को क्या कर दिया, यहां भी उसे लिख सकते हो, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो 303 को असंवैधानिक घोषित किया। क्या कहा, असंवैधानिक घोषित किया। एक आपको ध्यान आ रहा है कि सुसाइड का सेक्शन कौन सा है, 309 में आईपीसी में आपने देखा होगा या नोट्स पढ़े होंगे तो चार केस लिख रहे हैं, मतलब देखी नहीं है सर, वो देखी थी तो तब अब तक भूल भाल गए। देखो क्या मरने का अधिकार, कौन सा अधिकार, मरने का अधिकार। जैसे मान लो जीवन का अधिकार है तो क्या मरने का अधिकार भी है हमारे पास? शुरू शुरू में क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया हाँ मरने का भी है, तो बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ज्ञान कौर का है ना, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो उसने क्या कहा कि मरने का अधिकार नहीं है, केवल आपको जीने का अधिकार है। मर तो जाओगे ही जाओगे, कोई जिया ही नहीं, एक न एक दिन तो मरोगे ही मरोगे, सभी मरेंगे हम भी मरेंगे, तो मरना तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दिया ज्ञान कौर के मामले में। तो तेरे एक में क्या समझ में आया, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे और कोई हो, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए हैं, उनमें वो हिस्से कौन से वाले जो विरोधाभासी हैं, पार्ट थर्ड के विरोध में हैं, वो वर्ड कहा गया उनको। लिख लिया तेरा एक, लिख लिया, याद हो गया, एक ही लाइन का है। अब तेरे दो लिखना नहीं, पढ़ जोर से पढ़ना, तेरे से इसी जानबूझ के पढ़वा रहा हूं, ध्यान रख और शुद्ध पढ़ा कर। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस बात द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब देखो इसने क्या कहा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। क्या लाइन है, अब आपको अपने उस लाइन को जो 13-2 को अपनी भाषा में लिख लो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। द स्टेट शैल नॉट मेक ए लॉ विच एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा शब्द क्या प्रयोग किया है, टेक्स अवे, विच टेक्स अवे द फंडामेंटल राइट्स। ये लाइन आप अपनी लिख लो, तो पता क्या कहा, इस
13-2 ने, अब आपको यहां फंडामेंटल राइट्स के संबंध में ध्यान रखना है कि सारे के सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल के, ऐसे नहीं 13 में ये लिखा हुआ, नहीं 13-1 में ये, 13-2 में ये, सब क्लॉज याद रखने ही रखने हैं, फंडामेंटल राइट्स के सब क्लॉज याद रखने हैं। जो सिर्फ आर्टिकल याद रखते हैं ना, इसका मतलब उन्हें याद नहीं है, आपको सब क्लॉज याद रखने ही रखने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सब क्लॉज और बाद में इस पे आए हुए केस लॉ, इन केस लॉज को मैंने उसमें नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो पता क्या कह रहा है, इस आर्टिकल ने ये कह दिया कि स्टेट, स्टेट में मतलब संसद भी नहीं बनाएगी, क्या नहीं करेगी, संसद नहीं करेगी। इसने ही एक विवाद उत्पन्न कर दिया, पहला विवाद उत्पन्न किया कि फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड ही नहीं किए जा सकते। क्या कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स तो अमेंड ही नहीं होंगे फिर। लेकिन फिर दोबारा से गौर से पढ़ो, एक केस में आ गया भाई फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड नहीं होंगे, लेकिन क्या कह रहा है, आज ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो करती हो। तो टेक्स अवे का मतलब छीनती हो, मतलब कम नहीं कर सकते आप फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकते। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है? देखो, जब पहला जो संविधान था उस संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, कितने थे, 7, आज है 6, तो एक कहां चला गया, जब ये 13-2 तो मना कर रहा है। एक हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आज उसको हटाकर 301 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। कौन सा राइट बना दिया है? थोड़ा सा राइट्स के संबंध में थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप एक पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में ही लिखे हुए हैं और कहीं नहीं लिखे हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं और कहीं पर भी नहीं लिखे हुए। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो पार्ट 3 के अतिरिक्त अन्य अन्य स्थानों पर लिखे हुए हैं। जैसे कोई भी आदमी जिसने 25 साल की एज पूरी कर ली है लोकसभा का चुनाव लड़ सकेगा, ये अन्य स्थानों पर, तो ये भी क्या है, अधिकार है, पर ये मूल अधिकार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे संपत्ति इस समय मूल अधिकार के तौर पर नहीं है, प्रॉपर्टी, मान लो आज ये आपके प्रॉपर्टी है, आपकी बिल्डिंग है, सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ गई कि रोड चौड़ा करना है, बिल्डिंग से आगे जाना है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकती है, क्योंकि ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आज सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जब 301 पढ़ते हैं, पर जो फंडामेंटल राइट समाप्त हो गया, आज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना हुआ है, तो वहां क्या लिखा, वहां लिख दिया कि राज्य बिना विधि बनाए हुए, विदाउट मेकिंग लॉ, संपत्ति के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब विधि बना दे तो कर सकता है, तो एक्विजिशन लॉ बना हुआ है, किसी भी प्रॉपर्टी एक्विजिशन लॉ बना हुआ है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना हो तो स्टेट कर सकता है। आप देखते हो ना कितनी कितनी चौड़ी रोड बन रही है, लोगों का खेत एक्वायर कर लिए जाते हैं और लोगों को मुआवजा मिलता है। पहले अभी की ये दिक्कत क्यों खत्म हुई है, देखो इसमें क्या था, पहले मुआवजा सरकार अपने हिसाब से देती थी और सामान्य तौर पर कम देती थी। आज क्या कर दिया कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है,
मार्केट रेट है उससे 6 गुना देगी। तो किसान तैयार बैठा है कि भाई सड़क मेरे यहां होके निकाल लो आप। पहले क्या था, सड़क निकालने देने में रोक लगाते थे ट्रेन, तो जैसे ही मान लो यहां होकर रोड निकल रही, यहां मेरा सड़क खेत वो आ गया, तो पता लगा रोड बंद, काम बंद, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर दूसरी जगह। तो ट्रेन, रेल और ये रोड्स ये कैसे बनेंगे, पाइपलाइन ये सब बनेंगे ही नहीं, वो तो लगेगी नहीं, तो इसलिए उसे समाप्त किया क्योंकि वो बड़ी चुनौती थी। तो संपत्ति के मूल अधिकार को अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। तो दो राइट हो गए, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक होते हैं कानूनी अधिकार, कौन से अधिकार, तो लीगल राइट। लीगल राइट क्या है, लीगल राइट में अभी आपने टीपी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये सब क्या है, इनमें लीगल राइट्स हैं आपके, जिनमें दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रीच करता है तो उसमें आपको लीगल राइट दिया हुआ है। एक होते हैं पर्सनल राइट्स, तो जैसे मैं और आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो हमने हमारे राइट तैयार कर लिए, और हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें नहीं लिखी हुई वो बातें हमने तय कर ली कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, तो हम कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हमने म्यूचुअल तय कर लिया कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, तो सारे काम तो लिखे हुए नहीं है, तो ये पर्सनल राइट में चला गया। तो 13-2 में क्या कह दिया कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो या छीनता हो। तो इसके जो अमेंडमेंट आए, उन अमेंडमेंट्स पर बड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत यह हुई कि क्या इन अमेंडमेंट्स को, अब देखो एक दिन केस लॉज को अलग से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 केस लॉ प्रीएम्बल में भी है, 4 केस लॉ प्रीएम्बल में भी है, इसमें 70-75 केस हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे हैं, जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये बात समझ में आई, थोड़ा थोड़ा मैं यहां बताता जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या है, अंतिम तौर पर सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि संविधान के किसी भी भाग में संसद को संशोधन करने का अधिकार है। क्या है, संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करता हो, अर्थात संसद चेंज कर सकती है। कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें चेंज करने के लिए 400 पार की जरूरत है, इसलिए नारा दिया। क्यों, वो पार्ट कौन सा है, हमारे पास जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मान लो किसी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करना हो तो कैसे किया जाए, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में, 2/3 बहुमत दोनों सदनों में, और 50% राज्यों का अनुसमर्थन, 50 मतलब 50% राज्यों का अनुसमर्थन, तब उनमें चेंज होगा, अन्यथा उसकी पावर कर्टेल नहीं की जा सकती जुडिशरी की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स। तो कहीं ना कहीं सरकार को हो सकता है, लगता हो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है, तो उन्होंने सोचा होगा कि इतनी सीट ले आओ तो रोड़ा खत्म हो जाएगा, इनकी पावर को ही कम कर देते हैं भाई। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, जैसे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो लोग भी पार्टीज को चंदा देना चाहते हैं, अपने विचारधारा की पार्टी बनवाना चाहते हैं, तो एक बॉन्ड खरीद लें, और एक बॉन्ड 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, कम से कम 1 करोड़ का एक बॉन्ड होगा,
और वो बॉन्ड दे दें। कोई आदमी है देश में अगर 1 करोड़ रुपए फ्री में दे किसी को, क्यों दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ लालच, बड़े से बड़े का नहीं है। 1 करोड़ की चलती क्या है, देश में सबसे पैसे वाला आदमी 1 लाख ही नहीं दे सकता। यदि वो 1 लाख भी देता तो चौराहों पे भिखारी तो अब तक सब समाप्त तो हो चुके होते। वो चौराहे के भिखारियों को अपने अपने आदमी बिठा देता कि ये रिलायंस के आदमी जो भी चौराहे पे आएगा उसे 100-100 रुपए बांटेंगे। करता है क्या वो? वो कभी भी इस तरह के वेलफेयर का काम किया ही नहीं उसने पूरी लाइफ में। तो इसका मतलब क्या है, पार्टीज को चंदा क्यों दे रहा है? पार्टीज को चंदा दे रहा है कि मेरी विचारधारा है कि फिर मैं इनसे कहूंगा देखो तुम्हें इतना पैसा दिया था, अब ये चीज है ना सरकार वाली, ये चीज मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं ना, तुम जीत के मेरे पैसे से आए तो मुझे दे दो। बल्कि होना क्या चाहिए, जिसके जितने सरकार को ये सब चंदा बंद करना चाहिए, पूरी तरह बंद करना चाहिए कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 1 रुपया भी बाहर से चंदा के तौर पर किसी भी व्यक्ति से नहीं लेगी। तो फिर वो चलेंगी कैसे? सरकार को ही, जैसे और चीजों के विकास में दे रहे हैं पैसे, सरकार को ही अपना पैसा उस पार्टी को देना चाहिए कि भाई तुम चुनाव लड़ने के लिए, तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी है, ये पैसा आपको मिलेगा, आप कैसे कैसे खर्च करते हो इसका हिसाब किताब रिटर्न के तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजो, और सरकार ही आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देगा। जब ऐसी स्थिति होगी, इस तरह की सरकार आएगी जहां चुनावों के लिए कोई पैसा नहीं देगा, सरकार ही पैसा देती है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कैसा व्यवहार होगा? भैया तुम पैसे दो, तुम्हारे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम दे ही नहीं सकते हमें पैसा, तो उनके साथ एक अलग टाइप का व्यवहार होगा। अब है इसमें 13-3, 13-2 को लिख लिया। अब देखो इन पे आर्टिकल बेस करके, इस आर्टिकल पे ये केस लॉ है और इनमें ये कहा, ऐसे एक केस लॉज की लिस्ट बनवा दूंगा, तो उस लिस्ट को आप लोग याद कर लेना। जैसे फंडामेंटल राइट आज हम कोशिश करेंगे इनको खत्म करके, तो इनके लिस्ट मैं दे दूंगा कल आपको एक एक लाइन में। नेक्स्ट, इस अनुच्छेद की कोई बात नहीं, 67 के अधीन किए गए संविधान में किसी संशोधन को लागू नहीं है। अब देखो तीनों लाइनें लिख दो, इसमें तो क्या समझ में आया, 13-3 में क्या बता रखा है कि लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ, तो लॉ की परिभाषा नहीं दे रखी, क्या दे रखा है, कॉमा कॉमा करके सबके लिए रूल्स रेगुलेशन ये वो ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस सबको ही लॉ माना है ना। साथ में क्या लॉ है, देखो मान लो ऐसा कोई परंपराएं हैं, कस्टम एंड यूसेज हैं, विच आर अंगेस्ट टू, विच आर कंसिस्टेंट टू फंडामेंटल राइट्स, तो उनको ऐसे ही अलग हटाया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे सती प्रथा क्या थी, एक कुरीति, रीति क्या बन गई थी, कुरीति, उस कुरीति को कानून बनाकर हटा दिया पहले ही। मान लो ना हटाते, अभी भी दुनिया भर की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को, जैसे ये कुरीति ही है, तलाक 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 कहा और तलाक हो गया, ऐसे कोई तलाक होता है क्या? तो सरकार ने उस प्रथा को कानून बनाकर हटा दिया, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है,
भाई आप कहते हो मॉडर्न लॉ में कहा कि शादी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। शादी क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के भांति ही टूटेगी। ऐसे तलाक 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 कर बोल दिया, टूट गई कोई। अब आज की तारीख में तो महिलाएं ऐसी हैं कि तलाक तलाक बोलता है वो, तलाक तलाक 3 बार कर देती है, चेहरे पे सब अकल आ जाती है। तो ये ठीक है, एक्ट में ही क्यों था, पड़ी ही क्यों रही। तो विधि क्या है इसमें? एक दे रखा प्रवर्त विधि है ना, एनफोर्स्ड लॉ। एनफोर्स्ड लॉ कौन से? वैसे तो आई गई जो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो प्रवर्त विधि है। अब देखो 13(4) इसको क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया लेकिन फिर भी अभी है कॉन्स्टिट्यूशन में, पुनर्जीवित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पता क्या किया, 13(4) को, 13(4) को इसलिए डाला गया कि सरकार, तात्कालिक सरकार ये चाहती थी, तात्कालिक सरकार ये चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हम अमेंडमेंट कर दें। और सबसे ज्यादा दिक्कत पार्ट 3 का पार्ट कर रहा था, तो उन्होंने लिख दिया कि इसमें जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट ही नहीं समझा जाएगा। तो ये पार्ट 13(4) अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड है। कैसा है ये? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर है। तो आप इसे एजिटिव लिख के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड, अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले इसको एक तरह से, आपको 4 बात है 13 में समझ में आ गई। एक तो पूर्व की विधियां 13(1) में, पूर्व की विधियां 13(2) में, स्टेट कोई कानून नहीं। सबसे ज्यादा 13(2) ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। 13(3) में लॉ, और 13(4) 368 के बारे में कहा। सबके समझ में आ गया क्या? Which abridges or takes away the fundamental rights? असंवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं होता तो अब तक तो जाने कितने वो कर देते, वो उड़ा ही देते। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिख देना आगे। अब आ जाओ हम 14 पे। 13 सबको याद हो गया, जो अभी बेरेक्ट में है वो तो याद हो गया ना। अब हम आ जाते हैं 14 में। अब 14 भी कितना, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, इतने सा है। स्टेट शैल नॉट डिप्राइव फ्रॉम इक्विटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्विटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 है। देखो वैसे तो 14 से लेकर 18 तक ये एक ही आर्टिकल है, समता का मूल अधिकार। एक ही आर्टिकल है कह सकते हो आप, ये राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 14 लिख लिया। अब देखो दोनों चीजों को अलग अलग लिखो, विधि के समक्ष समता इस टर्मोलॉजी को लिख लो, विधि के समक्ष समता इसका मतलब क्या है?
एक ही स्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ विधि समान व्यवहार करेगी। क्या लाइन लिखनी है, लिख लो। एक जैसी परिस्थिति में एक समान व्यवहार करेगी। द लॉ शैल बिहेव विद ऑल पर्संस इक्वली इन द सेम सिचुएशन। देखो इसको समझो। देखो मैं थप्पड़ मारूं किसी के तो मेरे ऊपर भी 323 लगेगी, कोई और मारे चाहे वो राष्ट्रपति भी मारे तो उसके ऊपर भी लगेगी। ये अलग बात है, राष्ट्रपति पर तब केस नहीं चलेगा जब राष्ट्रपति उतरते ही चलेगा। कल्याण सिंह राज्यपाल थे तो उनके ऊपर भी नहीं चल रहा था राम मंदिर बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने का, जैसे ही उतरे खट से केस शुरू हो गया। तो सब पे लगेगा, व्यक्ति शब्द प्रयोग किया है तो चाहे कोई विदेशी भी हो तो सब पे लगेगा। सबका ट्रायल सीआरपीसी में दी हुई व्यवस्था के अनुसार होगा। समझ में आ गए? तो ये तो थी इक्वलिटी बिफोर द लॉ या इक्विटी बिफोर द लॉ। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन। अब देखो वहां तो था व्यवहार, एक ही परिस्थिति के समस्त व्यक्तियों के साथ विधि समान रूप से या समान रूप से संरक्षित करेगी। वहां व्यवहार कर रही थी या संरक्षित कर रही थी? वहां तो क्या कर रही थी, व्यवहार, यहां संरक्षित कर रही थी। क्या कह रहा है कि लॉ शैल प्रोटेक्ट ऑल द पर्सन इन द सेम सिचुएशन। लॉ शैल प्रोटेक्ट ऑल द पर्संस इन द सेम सिचुएशन। इसका मतलब क्या है, जहां जहां प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कहां, जैसे कोई लड़की आरजे सेलेक्ट हो रही है, कोई लड़का आरजे सेलेक्ट हो रहा है तो तनख्वाह बराबर मिलेगी। लेकिन मान लो एक लड़की और एक लड़का एक किसान के यहां खेत में काम करने जाए तो बराबर देगा क्या पैसे? वो क्या कहेगा, नहीं तुम उतना काम नहीं कर पाओगे, पैसा कम दे। उसके दिमाग में ऐसा है काम बराबर नहीं करेगी, संभव है कि काम बराबर ना भी करे, क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति उसे हो सकता है कि उतना काम करने के लिए अनुमति ना देती हो, पुरुष ज्यादा काम कर सकता हो शारीरिक रूप से, ठीक है। लेकिन जहां स्टेट आ रहा है तो स्टेट सेल प्रोटेक्ट ऑल द पर्सन इक्वली इफ ऑल पर्संस आर इन द सेम सिचुएशन। अलग अलग नहीं करेगा। जैसे मान लो अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं और एसटी की भी, तो क्या उनको जो राष्ट्रपति की सुख सुविधाएं हैं वो कम मिलेंगी, बराबर मिलेंगी?
कौन कह रहा है ऐसा कि बराबर मिले? आर्टिकल 14 का इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की टर्म कह रही है। अंतर समझ में आ गया? क्योंकि राज्य कानून प्रोटेक्शन भी करता है और व्यवहार भी करता है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 15 पर। कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेद नहीं करेगा। एक ही लाइन का बाद में जितने भी है ना वो सब उसके क्लॉज परंतु हैं। क्या है उसके? परंतु हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एट द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट। ये सब लिख लो एक लाइन में, फटाफट लिखो। लिख लिया? ये कहां लिख रहा है? 15(1) में। कहां लिखा हुआ है? 15(1) में। 15(1) में पूरी बात कह दी कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, मूल वंश मतलब रेस। धर्म तो समझते हो, पूजा पद्धति, रेस या मूल वंश। रेस का मतलब क्या है? कुछ लोग अपने को कहते हैं हम पुराने में चले जाएं, हम आर्य हैं। क्या हैं? आर्य। और दूसरों को बोलते हैं अनार्य। तो आर्य हैं क्या? समझ में आते हैं आर्य क्या है और अनार्य क्या है? जो साउथ के लोग हैं, देखो आप देखते हो ना, ये भारत है ना, एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला यहां से यहां तक जा रही है। इस हिस्से को आधा हिस्सा कर दिया, आधा हिस्सा इधर कर दिया। तो जो पर्वतमाला इधर से यूं आ रही है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस पर्वतमाला ने क्यों किया? यहां पर एक पहाड़ी है, ये कंटिन्यू। क्या नाम है इस पहाड़ी का? नाम याद नहीं? विंध्याचल। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। वो दो हिस्सों में भारत को बांट देता है। तो जो ऊपर का हिस्सा है उसमें और उनमें जो वहां के लोग थे पुराने, वो अनार्य, और नीचे वाले द्रविड़। जैसे कल ही कोई मेरे यहां आया था, वो कहने लगे कि सर हमारे क्या है, कोई लड़का बताओ लड़की के लिए। बस लड़की क्या है, मेरी बहुत गोरी है। और लड़के हमारी जाति में सारे काले मिलते हैं, काला लड़का नहीं है। फिर वो कहने लगे जी मैं 47 लड़के देख चुका, लिस्ट बनी हुई है। ये जो त्वचा का रंग है ना, ठीक है जो गोरे हैं उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है गोरे, लेकिन जो
अफ्रीका के लोग हैं, वो यहां की विश्व सुंदरी को भी रही है उसको सुंदर नहीं मानते, वो अपने वाली लड़की को ही सुंदर मानते हैं। जैसे हमारे यहां कॉलेज में कुछ लड़के अफ्रीका के पढ़ते थे, लॉ में यही लॉ पढ़ते थे, यही वाला, तो अफ्रीकन पढ़ते थे तो अफ्रीकन लड़कियां भी पढ़ती थी, तो उनके चेहरे का आकार और वो सब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होता है, उन्हें वो सुंदर मानते हैं। तो इस सुंदरता का जो मापदंड है ना, हम अपने आप मन में बैठा लेते हैं हम तो बहुत सुंदर, अरे दूसरे को लगे तब तो किसी भी व्यक्ति की सुंदरता का संबंध है दूसरों को लगना। अब दूसरों को सिर्फ मेकअप से नहीं लग सकता कोई, भाई हम चाहते हैं कि दूसरों को हम सुंदर लगें, इसीलिए तो मेकअप करते हैं। मान लो आप जंगल में रह रहे हो, फिर आप लिपस्टिक लगाओगे, आप क्रीम पाउडर लगाओगे क्या? नहीं, कोई देख ही नहीं रहा तो क्यों लगाएंगे? स्वाभाविक है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, सभी के साथ है, ये तो मानव का एक स्वभाव है। तो सुंदरता का संबंध उनसे है, तो उन्होंने अलग अलग भाषागत माना कि ये द्रविण ये वो। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो रेस है ना आपस में, आपके समझ में आता होगा कि हम सब लोगों में किसी का त्वचा का रंग काला, किसी का गोरा, और आप देखोगे कि लगभग अब सब मिक्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? रेस मिक्स हो चुकी है, तो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रेस समझ में आ गई? अब जैसे अफ्रीकन की रेस अलग है, इसलिए उनके घुंघराले बाल, मोटे होठ सारे, उनकी रेस अलग है। अंग्रेजों की रेस अलग है, अंग्रेज हमारे यहाँ गोरी से कोई लड़की हो, गोरे से गोरा लड़का हो, उसको वो बोलेंगे ही इज ब्लैक, वो अपने को ही गोरा मानते हैं, लाल सी चमड़ी, वो हमें ब्लैक मानते हैं, क्योंकि वहां के अमेरिका के जो रेड इंडियंस भी हैं सबको पता है, मैं क्लास में होता हूं, समझ में आ गया। फिर जातियां, जातियां तो जातियां कहां से आ गई? जाति के आधार पर भी जातियां हैं क्या? जातियां क्या हैं? जाति का मतलब है लोग समूह में इधर से उधर निकले, किसमें निकले? समूह में, संख्या कम थी, एक परिवार निकल गया, उसके साथ एक दो परिवार साथ साथ, तो क्योंकि सारे ही लोग खानाबदोश थे, भारत भर के सारे लोग कैसे थे? खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब घूमते फिरते जहां खाने पीने की व्यवस्था हो जाए वहां रह लिए, जहां व्यवस्थाएं होने लग गई, फिर धीमे धीमे गांव बसे, गांव बस गए। आप देखोगे गांव बसे तो आप देखोगे एक ही जाति के, एक ही गोत्र के, एक शब्द है ना गोत्र, गोत्र का मतलब है जहां एक ही ग्रुप की गायें बनती थी, एक ही साधन था गाय, तो वो सारा ग्रुप एक गोत्र का माना जाता। जैसे एक शब्द है रावत, तो रावत का मतलब रावत सर एक जगह है, सर मतलब तालाब, तो मैंने आपको बताया था पानी के आसपास ही सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ, तो जहां नदियां थी नाले थे, लेकिन जहां नदियां नाले नहीं थे, जहां तालाब थे पानी तो वहां भी था, तो वहां भी डेवलप हो गए, तो ये हो गया सर मतलब यहां जितने भी सर है ना, हर जगह पे यहां लिख रहा हो सर,
तो इसका मतलब क्या है? सर का पानी का स्थान जहां तालाब है, पोखर है, कुछ भी है, वो सर। अब रावत, अब ये रावत मीणा जाट बनिया ब्राह्मण राजपूत गुर्जर और भी हो सकते हैं, एक है तो रावत, एक ही गोत्र है, इन सारी जातियों में मिलता है, एक ही गोत्र है, सारी जातियों में मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? ये सब लोग एक स्थान पर थे तब ये रावत थे, बाद में ये अलग अलग डिवाइड हुए। ये टाइम है एक जब जातियां बनी 800 से 1200 एडी का, जब जातियां बनी, उससे पहले जातियां नहीं थी। तो ये लोग डिवाइड हो रोके, जहां जहां जैसी जैसी स्थिति में चले गए, जो जो काम करने लगे वैसी। बाकी तो क्या होने, ये भाई हैं, सब भाई बहन है। इनमें यदि इनमें आपस में शादी हो तो शादी कैसे होगी? भाई मीणा है और एक जाट है, दोनों ही रावत है, तो वो क्या कहेंगे? हमारे तो यार भाई भाई बहन का मामला है। और उनके जेनेटिक कोड में चले जाओ ना, तो दोनों का सेम मिलेगा। जेनेटिक कोड में चले जाओ तो सेम मिलेगा उनका। क्यों? क्योंकि वहां से तो पीछे से एक ही थे ही है। ये सब चीजें क्यों पढ़ाना जरूरी थी? पढ़ाई क्यों जरूरी है? जब ये लोगों को पता चलेगा, अरे यार हम तो सब लोग एक ही हैं, जेनेटिक कोड तो एक ही है ना वहां से वहां तक का, तो उनमें ये जो दूरियां है ना वो ना रहे। तो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन? धर्म, फिर दूसरी तरह आया जाति। तो जाति के संबंध में समझ में आया कि कैसे जातियां डिवाइड हुई? उससे पहले चार वर्ग थे कर्म के आधार पर बनाए जो, लेकिन वो कर्म के आधार पर बने तो किनके बने? आर्यों के। एक जाति विशेष के ही लोग थे वो चार, जो मध्य एशिया से आए। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे सब मुसलमानों को, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कपड़ों से पहचान कर लेते हो, चेहरों से पहचान कर लेते हो। आप देखोगे ना, हिंदुओं से 10 गुना सुंदर मुस्लिम होते हैं, खास तौर से जो मुस्लिम हैं पुराने, जो पुराने मुस्लिम हैं। बाकी जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है वो भारत के ही लोग हैं, वो सब हिंदू ही हैं। ठीक है, वो ये वाली टोपी वाली लगा के नमाज पढ़ रहे, पढ़ने दो ना, क्या असर पड़ रहा है? लेकिन वो सब हिंदू ही तो हैं। तुम्हें क्या असर पड़ रहा है कि भाई वो अब तुम्हारी वाली पूजा करे? नहीं, वो ठीक है, वो कर रहे तो वो भी ठीक है, उसमें क्या असर पड़ रहा है? जो मन करे वो करो ना, इसमें क्या है? तुम्हें किसी को कुछ लगता है भाई इससे, इस ये वाले झुकने से कुछ हमें परमात्मा दे देगा या हमें यज्ञ करने से दे देगा? करो, जो करना है वो करो। और जहां जहां विज्ञान समझ में आ जाएगी तो समझ में आएगा कि कोई कुछ नहीं देगा, सब बकवास है, हमें ही लेना पड़ेगा। तो समझ में आए? तो ऐसे ये अभी मैं अलीगढ़ जब गया तो मेरा कोई मिलने वाला था, मैंने पहले नहीं मिला, फोन पे बातें होती थी। तो वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो मेरे तत्काल, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ी थी, ये सब चीजें मेरी, ये इसीलिए नहीं बता रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ये सब मैंने पढ़ाई लिखाई की हुई है। तो तत्काल उसे देख के मुझे लगा ये मुस्लिम है, मेरे से भी इतना और ऊंचा, प्योर आर्य, मेरे से भी पतली नाख। ये सब चीजें मैंने कहां पढ़ी? जब आर्य और अनार्यों का भेद पढ़ रहे थे वहां पढ़ी। कि ये लोग जो वहां से आए मध्य एशिया से, वहीं तो रहते थे,
आज भी वहां जिन्हें आप पठान कह रहे हो वो कह रहे हो ये वही तो लोग हैं, यहाँ आके वो वेदों वाला काम करने लग गए, लेकिन लोग तो वही है ना, यहाँ पूजा पद्धति कर रहे थे वहां दूसरी। पहले इस एरिया में जहां मुस्लिम रहते हैं, इस एरिया में पता कौन रहते थे? सब बौद्ध थे। ये कौन से थे? बौद्ध थे। ईरान, इराक, ये सारा अफगानिस्तान, ये सारा एरिया किसका था? महात्मा बुद्ध का धर्म प्रचलित हो गया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, सबसे ज्यादा मूर्तियां इस संसार में बनी हैं वो महात्मा बुद्ध की बनी है, सबसे ज्यादा मूर्तियां किसी की बनी है तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनी, 52 फुट ऊंची ऊंची मूर्तियां बना रखी थी। बामियान में अफगानिस्तान में था, 52 फुट ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी, जिसे बाद में कट्टरवादियों ने तोप से तोड़ दिया। समझ में आई बात? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, अच्छा लिंग, सेक्स, स्त्री पुरुष, जितना पुरुष मानव में है उतनी उसके अंदर स्त्री भी है। कोई लड़का कहता मैं पुरुष हूं, सिर्फ पिताजी के स्ट्रक्चर उसके पास आ गया है। लड़की कहती है मैं नारी हूं, माँ का स्ट्रक्चर उसके आ गया है, लेकिन उतना ही उसके अंदर दबा हुआ पुरुष है, उतना ही उसके अंदर दबी हुई नारी। तभी तो अर्ध नारीश्वर का कंसेप्ट है, तभी तो कंसेप्ट है। तो इसलिए सामान्य तौर पर महिला पुरुषों में आप देखोगे उसके पिता, पिता जैसे, पिता को थोड़ा सा पिता से स्ट्रक्चर मिलता जुलता कोई व्यक्ति है वो लड़का उसे पसंद आएगा। कोई लड़की है जो माँ से स्ट्रक्चर मिलता जुलता है वो लड़की उसे पसंद आई, क्योंकि अंदर तो है ना माँ, अंदर है पुरुष तो पिता है और अंदर नारी है, इसलिए ये कारण रहता है। तो सेक्स के आधार पर भी कोई भेद होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल गुट बनने लग गए, नहीं नारियों का इतना अधिकार होना चाहिए, पुरुष कह रहे नहीं पुरुषों का इतना अधिकार होना चाहिए। जैसे अभी मैंने नारियों के लिए इतना किया, ये किया, वो एक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, पहले चेयरमैन रही है वो लेडी, तो वो कह रही थी कि मैंने ऐसा किया। अरे नारी पुरुष सब एक ही तो हैं, अलग कहाँ है वो। हाँ हमारे देश में ऐसी कुरीतियां रही हैं जहां महिलाओं को अरे नहीं नहीं चल ठीक है, इसी को तो काम ही करना है, तो पढ़ाने लिखाने पर उसे जोर न देना, ये बुराई है, ठीक है ना। तो ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और एक जन्म स्थान, जन्म स्थान से क्या असर पड़ता है, आप कहां जन्मे हो। पूरा भारत एक है ना, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने क्या किया कि बंबई में आने जाने से रोक दिया लोगों को, भाई उत्तर भारतीयों के साथ नहीं आएंगे आप लोग, ये तो बंबई मराठों के लिए है, महाराष्ट्रियों के लिए, ऐसे व्यवस्था नहीं है ना, क्षेत्रवाद इसी से पनपा। लेकिन आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद को निषेध करता है। समझ में आ गई ये लाइन पूरी? अब देखो इसके बाद जैसे ही हम जाते हैं नीचे 15:2 में, 15:3 में, 15:4 में, 15:5 में, इन सारों में क्या है फिर? ये इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं, क्यों ये एक तरह से इसके परंतुक हैं। क्या है ये परंतुक? तो पहले लाइन लिख दिया, अब दूसरा पढ़ो, 15:2 पढ़ो। अब देखो एक चीज है इसमें, 15:1 पढ़ते हो ना तो एक शब्द आया नागरिक या सिटीजन, लेकिन यहां क्यों नहीं आया था? यहां व्यक्ति आया था, पर्सन। देखो जो नागरिकों में भेद है ना, ये भेद मान लो अनागरिक है, जो सिटीजन नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, उसके लिए 15 का 15 उसके लिए नहीं है,
ये कानून की समता सबके लिए, इक्विटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सबके लिए है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबके लिए है। अभी जैसे आपने कई प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो, है ना? प्रोटेक्शन एक्ट कौन कौन से हैं आपके? जिन जिन में संरक्षण शब्द लिख रहा है ना, वो सारे के सारे प्रोटेक्शन लॉज हैं। तो उसमें मान लो पॉक्सो पढ़ रहे हो, तो यदि वो बच्ची कोई विदेशी है तो क्या ये एक्ट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा? क्या करेगा? ये किस कारण से कर रहा है? ये आर्टिकल 14 ही तो है, 14 का विस्तार ही तो है उन एक्ट में। भाई अकेली सब चीज 14 में नहीं लिखी जा सकती थी, इसलिए उनके लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं। ऐसे चिल्ड्रंस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं। आगे आ रहा है, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं। तो इसी का तो विस्तार है, वो नीचे भी विस्तार आएगा, 15 में भी है उसका विस्तार, इसी सेक्शन, इसी आर्टिकल का एक्सटेंशन 15 में है। 15 में जो बातें बताई हूं उसके एक्सटेंशन के कारण ही तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट बनाए गए। यदि ये ना होता तो स्पेशल एक्ट बनते ही नहीं। जितने भी प्रोटेक्शन के एक्ट बने हुए हैं वो इसी की वजह से बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बने हुए हैं। एक तरह से मूल अधिकारों में से ही निकली हुई धारा है वो। इतना सही है। सिर्फ इसमें क्या है कि जो पब्लिक की चीजें हैं, क्या है? पब्लिक की चीजें हैं। मान लो ये इंस्टीट्यूट है, और क्या ये इंस्टीट्यूट बाहर लिख सकता है इस जाति के, इस धर्म के लोग यहां पढ़ने आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे? नहीं भाई, लिख नहीं सकता। जैसे ही आप पब्लिक के लिए कोई, चाहे होटल बनाओ, दुकान बनाओ, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई रास्ता है, ये सब तो सिर्फ एक ही लाइन का है कि जो पब्लिक प्लेस है उनमें रोक नहीं लगा सकता कोई आदमी कि साहब सिर्फ इसी जाति के, इसी धर्म के आएंगे। इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन है, क्या कर देंगे? रजिस्ट्रेशन रद्द कर देंगे, फिर आप चला नहीं सकते, सीज कर देंगे, क्योंकि इट इज द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जैसे कुछ क्लब बने हुए हैं, ठीक है? अब क्लब में जैसे गए, अब मान लो आप अकेले जा रहे हो, उन्होंने कहा कपल कहाँ है? बोले कपल तो नहीं है, अकेले ही जाएंगे। बोले नो एंट्री। तो उनके अपने नियम है, आप कह नहीं सकते भाई 15-1 पढ़ ले पहले, 15-2 उसमें लिख रहा है कि मैं अकेला जाऊंगा तो रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल है। क्या है? अब बात आती है, कि फिर ये क्यों चलाते हैं ऐसे? ये अपने उनके पर्सनल नियम हैं। ना कोई मना कर देते, गार्ड बिठा देते, मना कर देते तो लोग वापस आ जाते हैं। ना कोई उनके खिलाफ कोई फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हाईकोर्ट में आया कि साहब मैं गया था और मैं अकेला गया था, इन्होंने कहा कपल के बिना नहीं प्रवेश देने देंगे। तो कोई ना तो आर्टिकल 226 में आता है, ना कोई 32 में जाता है। कोई जाएगा तो हाईकोर्ट मान लो पूछती है, भाई तुमने क्यों नहीं घुसने दिया इसको? उन्होंने कहा हमने कब मना किया था, हमने तो कभी मना नहीं किया। तो इसके लिए नहीं जाते, इसलिए अपने पर्सनल नियम है। लेकिन 15-2 क्या कह रहा है? मना नहीं है। समझ में आ गई? लेकिन कौन? नागरिक। कौन? तो क्या समझ में आया? नो सिटीजन शैल बी प्रोहिबिटेड
from the entry of public places. इतनी सी बात है, आप इसे शॉर्ट में अपनी अपनी भाषा में लिख लो इसको, वहां कुआ तालाब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है, लेकिन असली बात क्या है, एंट्री इन पब्लिक प्लेसेस। तो 15-2 याद हो गया क्या, 15-3 पे चलो। इस अनुच्छेद की बात कोई बात राज्य को स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए स्पेशल व्यवस्था करने से नहीं रोकेगी। मान लो महिला विद्यालय बनाया और उसने कहा सर वो मैं तो एडमिशन यही लूंगा लड़कियों के में ही, आप कैसे रोक सकते हो, 15-2 मुझे परमिट कर रहा है। बोले नहीं लड़कियों का है ये तो, कौन सा है लड़कियों का, यहाँ कौन सा है ना कोई कॉलेज है, हाँ वनस्थली भी है और महारानी। अब कोई लड़का कहता सर मैं महारानी कॉलेज में ही पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा बाहर, एडमिशन के लिए चला जाए, और वो कहे कि देखो फंडामेंटल राइट्स मुझे परमिट करता है, तो वो प्रिंसिपल क्या कहेगी तत्काल कि अभी आपने 15-3 नहीं पढ़ा, स्टेट महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। यदि ये ना होता तो पॉक्सो एक्ट भी नहीं आता, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी नहीं आता, क्योंकि ऊपर तो इक्वल है ना। तो कह दिया इसने 15-3, किसने सपोर्ट किया, ये 15-3 की वजह से आए हुए हैं ये। लिख लो एज इट इज, अनुच्छेद 15 की कोई बात महिलाओं और बच्चों को के लिए विशेष व्यवस्था से नहीं रोकेगा। प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 डज नॉट प्रोहिबिट टू द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड वेमन। सबके समझ में आ गया, क्लियर? इन्हें लिखते सबको जाना, लिखने से बहुत याद होगा। और एक एक अब लिखना कैसे है, एडिटिंग वगैरह मत उतारो, उसका एक ब्रीफ निकालो। तो इसमें क्या है, 15-3 में महिलाओं और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था, या ऐसे भी लिख सकते हो राज्य द्वारा महिलाओं और बालकों के लिए विशेष व्यवस्था करने का राज्य का अधिकार, राइट ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन एंड वेमन। समझ में आ गया, देखो इस 15-3 की वजह से ही आईपीसी में महिलाओं के लिए जो स्पेशल कानून बने हुए हैं तो वो 15-3 की वजह से बने हुए हैं, नहीं तो वो कहता सबके लिए बराबर रहेगा, महिलाओं के एडिशनल प्रोविजन होते ही नहीं, 15-3 की वजह से ही है, अन्यथा तो ऊपर 15-1 ने क्या कहा,
कि जब सेक्स के आधार पर डिवाइड नहीं करोगे तो स्पेशल क्यों, या जब 15:1 के आधार पर जब डिवीजन मना लिखा हुआ है तो बच्चों को ऐसा क्यों करेंगे, वो 7 साल से नीचे का है तो कोई अपराध नहीं करता, या 18 साल से नीचे का है तो कोई अपराध नहीं करता, उनके लिए अलग से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों बनेगा। तो 15:3 की वजह से बने हुए हैं ये, किसकी वजह से बने हुए हैं, 15:3 की वजह से बने हुए सारा। अब हम चलते हैं 15:4 पर। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 32 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं है। अब देखो ये क्या है, ये 15:4 एडवांसमेंट ऑफ सिटीजन्स ऑफ बैकवर्ड क्लास SC ST। तो ये एडवांसमेंट है किनका, तो राज्य जो SC के ST के OBC के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके एडवांसमेंट का काम करता है। ये नौकरियों में आरक्षण नहीं देता, यहां एडवांसमेंट के लिए कोई काम कर सकता है, जैसे उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना। जो SC ST के लोग हैं, मान लो 1.5 लाख रुपए की फीस है, तो LLB जो भी BLLB करना चाहता है और SC का है या ST का है तो 1,14,500 रुपया, कितना 1,14,500 रुपया हर साल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, उससे वो आसानी से शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। ये पैसा कम नहीं है। कोई कहता है जब मतलब SC के हमारे लिए तो व्यवस्था नहीं, हम कहां पढ़ेंगे, अरे भाई शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ो, 1,14,500 रुपया तुम्हारे खाते में आएंगे। पहले यूनिवर्सिटीज के खाते में आते थे, वो बंद कर दिया, अब स्टूडेंट के खाते में खुद में ही आता है। उसे सिर्फ ये बताना होता है मैंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। तो मान लो किसी यूनिवर्सिटी की फीस 1,20,000 है तो उसे 1,14,500 रुपया तो मिल जाएगा, बाकी हो सकता है थोड़े बहुत उसे अपने मिलाने पड़े। तो ये सुविधा बहुत बड़ी सुविधा नहीं है क्या भाई, जो जनरल कैटेगरी का है उसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे या लोन ले या जो भी करे व्यवस्था। लेकिन जो SC और ST ये दो के लिए ही है, OBC के लिए नहीं है इसमें। लेकिन ये व्यवस्था किस कारण से है, ये 15:4 के कारण है। किस कारण से है, तो समाज कल्याण डिपार्टमेंट के साइट पे जाओगे, वहां भर दो और अकाउंट नंबर वगैरह सब सेट कर दो उसमें, और बता दो कि हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। हाँ, उन यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जो यूनिवर्सिटियां बढ़िया काम नहीं करती हैं, बढ़िया पढ़ाती नहीं, सिर्फ डिग्रियां देती हैं, उन्होंने कहा तुम उनके चक्कर में मत पड़ना, इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनमें एडमिशन मत लेना। इन सब चीजों का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा नहीं होता, खैर जान जान के लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। सरकारी ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो लोग पढ़ाई लिखाई से उनका एडवांसमेंट उन्नति होगी। क्या होगी, उन्नति या एडवांसमेंट होगा, कौन से लोगों का, जो इस तरह के जिनके पास पैसे नहीं है। कोई आदमी कहता है सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, इतनी फीस है, अरे भाई तेरे को देनी कहाँ है, सरकार देगी ना तेरे को फीस। अब इस मामले में घोटाला क्या हो रहा है, वो बच्चा जानता नहीं है, वो किसी काउंसलर के पास पहुंच जाता है, काउंसलर उसे समझाता है चिंता मत कर मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगा, वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देता है,
तो यूनिवर्सिटी उस काउंसलर को वो बल्क में एडमिशन दिए, मान लो उसने 50, तो उसे क्या करती है, एडमिशन दे देगी वो कि साहब 60,000 रुपए पर स्टूडेंट दे देना, और उसकी फीस आती है ज्यादा, तो 1,14,500 आए, हो गया, तो वो पैसा आया, उसमें वो क्या करता है, अकाउंट खुलाता है, और अकाउंट उसमें स्टूडेंट के नाम का ही है, और उसमें फोन नंबर अपना डाल देता है, और एटीएम उससे खुद रख लेता है, पैसा आता है खट से इसमें से निकाल के, और स्टूडेंट सोचता है ठीक है अपन तो फ्री में पढ़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ डिग्रियां ले रहा है, जबकि क्या हो सकता था, तो जो साथे रहे वो कहीं पर भी कमा रहे हैं, यहां बच्चों को देने नहीं पड़ रहे, और उसे 50 या 60,000 रुपए बाकी वो पैसा वो खुद रख लेता है, और उसका नंबर नहीं देता, स्टूडेंट का नंबर नहीं देता, अपना नंबर चला देता है। अब इसमें सरकार की कमी कहां है, उन स्टूडेंट्स को बेवकूफों को ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे, मेरे यहां ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे वहां पर निर्माण, मैंने उनके नंबर ही नहीं मिलते, मुश्किल से कहा यार तुम पैसे दे रहे हो ना, सरकार दे रही तुम्हारे पैसे, तुम पढ़ने आओ, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ये डिग्री का सिर्फ डिग्री ले जाओगे, इस डिग्री को कचरे के ढेर में डाल देना, कोई काम की नहीं है। असली तौर पर डिग्री का मतलब क्या है, मतलब है तुम्हारे यहां कानून आना चाहिए, शानदार तरीके से यहां आना चाहिए तुम्हारे, तब तो इस डिग्री की कोई वैल्यू है, तो किस काम की है ये डिग्री, तो ये किसकी वजह से सहयोग मिल रहा है, 15-4। अब देखोगे और भी, जैसे आपने फॉर्म भरा जनरल कैटेगरी के, मान लो 200 रुपया और आपको मिल रहे 50 रुपया, तो 150 रुपया कौन दे रहा है, क्योंकि धर्म और मूलमंस, तो ये मिल क्यों रहे हैं, 150 रुपये सरकार क्यों दे रही है आपको, क्योंकि 15-4 की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था 15-4, तो 15-4 में क्या समझ में आया, याद हो गया क्या 15-4, महिलाओं को और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन करने से स्टेट को कोई रोक, हाँ 15-3 स्टेट नहीं रोकेगा, और 15-4 में एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, 15-4 के बाद नेक्स्ट पढ़ो, कौन सा पढ़ रहा है, 15-5 पढ़ो, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नीति द्वारा कोई विशेष बंद करने से निर्वाचित नहीं करेगी, यह जांच कैसे विशेष प्रबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्टित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में उनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं परिवेश से संबंधित है। अब देखो 15-5 में प्रवेश का रिजर्वेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के में प्रवेश, कि भाई कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन जो मदरसे हैं या इस तरह के हैं उनको इसमें छोड़ दिया है, एक्सक्लूड कर दिया। शॉर्ट में लिखना सिर्फ प्रवेश से संबंधित है, पूरे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया पूरा, समझ में आया ये। अब 5 में कम से कम बस 5 शब्द आपको पता होने चाहिए,
एक में क्या था, विभेद, नो डिस्क्रिमिनेशन, दूसरे में क्या था, पब्लिक प्लेस पर एंट्री, तीन में क्या है, स्पेशल प्रोविजन, और चार में क्या है, एडवांसमेंट। और पांच में है, पांचवा इंपॉर्टेंट नहीं है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश। इतनी सी बातें आपको 15 में ध्यान रखनी चाहिए बस। आर्टिकल 15 है, शब्दों में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं, इसलिए ये आर्टिकल याद हो गया क्या, आर्टिकल 15 है? देखो एज इट इज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना लिख लो, उसको सीधे सीधे कर लो, उसको थोड़ा सरल बना लो और फिर उन्हें पक्का याद करो। इसमें कोई ज्यादा केस लॉ है नहीं। अब जैसे हम चलते हैं तो 16 में जैसे जाते हो ना 16 पे, तो देखो क्या है, आर्टिकल यही है लेकिन लोक नियोजन, क्या चीज, लोक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब क्या कह दिया कि राज्य धर्म मूल वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में विभेद करेगा। वो पहले वाला तो सामान्य चीजों के लिए था 15, तो 16 में किसके लिए कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन सा, जो सरकार के, सरकार की नौकरियों की व्यवस्था है, तो ये भी यही कह रहा है सेम। लेकिन इसमें पहली लाइन मतलब 16 एक तो सही है, 16 दो से फिर परंतु के, जैसे 15 में एक, 15 एक 15 दो तो सीधे सीधे थे, फिर उसमें परंतु के, देखो कितनी जल्दी 12:15। नेक्स्ट पढ़ो। अब जैसे इसने कहा पहले 16 एक पढ़ा है ना, 16 एक में जो लोक नियोजन के पद हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऑफिसेस हैं, वो कह रहा है अफसर की समानता होगी, देयर शैल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबको, तो एज इट इज लिख लो 16 एक को, 16 एक लिखो। लिखते जा रहे हो क्या, ये सिटीजन्स के लिए, एक ही नहीं, फॉरनर को थोड़े, फॉरनर को थोड़े, अपना ही काम नहीं चल रहा, हमारे 140 करोड़ है, फॉरनर को कहां से दें?
व्यक्ति वाली बात सिर्फ 14 में ही है, कानून के लिए है, बाकी ये भी सबके लिए, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, नागरिकों के सहयोग के लिए। सोलेख लिख लिया, देखो क्या कहा कि इसने कहा कि भाई सबको सब अवसर की समता है, मतलब अवसर सबको मिलेगा। कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि जब मेरे को अवसर नहीं मिला, किसमें, नौकरियों में, कौन सी नौकरियों में। अब पता है क्या हुआ, एक समस्या जब पैदा हुई कि पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो किया, प्राइवेट सेक्टर ने इतने भारी भारी पैकेज देना शुरू कर दिया, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, अब वो तो पब्लिक सेक्टर कहां लगेगा। भारत में बड़ी से बड़ी नौकरी अखिल भारतीय सेवाओं में या जुडिशरी की जो नौकरियां हैं वही सबसे बड़ी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनसे कई गुना ज्यादा तनख्वाह और ये सब मिल रहे हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि उनका ब्रिलियंट आदमी अपने पास ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उससे ब्रेन खरीद रहे हैं। आपके पास ब्रेन है तो आपको खरीदेंगे, वो ब्रेन नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। तो ब्रेन से मतलब क्या है, जैसे एक आदमी ने आईआईटी की, आईटी में एक्सपर्ट बन गया, कंप्यूटर साइंस में कर ली, तो उसने कुछ सॉफ्टवेयर्स को बनाना सीख लिया जो दूसरे नहीं जानते, तो वो क्या कर रहे हैं फिर उनको भारी, क्या कर रहे हैं, भारी पैकेज दे रहे हैं। जैसे मेरे कोई परिचित हैं मैडम, तो उनका बेटे की ऑल इंडिया रैंक, फर्स्ट रैंक आई आईआईटी में, अब उसने 5 ईयर आईआईटी का 5वां साल पूरा करते ही उसको कोरिया की कंपनी ने 1 करोड़ रुपए साल, करीब 8 लाख से ज्यादा हो गया, 8 लाख रुपए से महीने के सैलरी पर गया वो सैमसंग में। 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया कि मम्मी पापा से कहा कि पैसे की आपको जरूरत नहीं है, अभी मैं एमटेक करूंगा 2 साल का, तो अमेरिका में जो खर्चा आएगा, तो वहां से नौकरी छोड़ दी और फिर वो अमेरिका में एमटेक कर रहा है, और अभी उसको एमटेक पूरी भी नहीं हुई, उसे ऑफर आया 3.5 करोड़, कितना, मतलब 25-30 लाख रुपया, 30 लाख रुपया महीना, 30-40 लाख रुपए महीने का ऑफर आया। तो वो जो सॉफ्टवेयर बनाना जानता होगा, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे बेच देंगे पूरी दुनिया में, कंपनियां यही तो कर रही हैं। तो उसने बनाया, उसकी नौकरी मान लो पूरे महीने में उसके या पूरे साल में 3.5 करोड़ रुपए में वो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ, उसके जो सैलरी देखे वो 350 करोड़ में बेच देंगे, उनकी अपनी मार्केटिंग है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की स्थिति, लेकिन जिनमें ब्रेन नहीं है उसे 10,000, 15,000, 20,000,
वो जो 10-15-20 हजार रुपए मिल रहे हैं वो तो फिजिकल वर्क के मिल रहे हैं, उसके पास ब्रेन नहीं है लेकिन शरीर तो है, तो शरीर से जो काम कर सकता है थोड़ा थोड़ा ब्रेन तो होता ही है, लेकिन जब ब्रेन ज्यादा होता है तो ऐसे पैकेज मिलते हैं। और उम्र होगी मेरे हिसाब से उसकी अभी 22-23 साल है। आप सोचो कि उसके आपको पूरे लाइफ में कितनी सैलरी मिलेगी? पूरी लाइफ में जो सैलरी मिलेगी, मतलब 30 साल तक काम करेंगे 30 साल में कितनी सैलरी मिलेगी? अब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया कितनी मिलेगी, वो तो महीने, वो तो एक साल का इतना ले रहा है। कारण क्या है ये तो कभी समझ में नहीं आती, कभी लगता है यार मन में ऐसा वो उसमें क्या है, ऐसा हाथ पैर उसके, ऐसा ये सब एक ही चीज का अंतर है, ब्रेन। और ब्रेन का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन नहीं है उसके ज्यादा है, उसने अपनी जो चीजें पढ़ी वो सब चीजें आती हैं। आप जैसे लॉ पढ़ रहे हो, लॉ में ही दुनिया भर के पैकेज इसमें भी, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो वो 2-5 चीजें पूछते हैं उसमें फेल। समस्या इसमें नहीं है लॉ में, लॉ में तो बहुत ज्यादा काम चाहिए, अभी लोग ही नहीं है, लेकिन डिग्री से नहीं पता लगता कि भाई वो कितना होशियार है, वो तो वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। सॉरी 16-2 16-2 समझ में आ गई है ना? तो भाई किसके आधार पर पात्रता खत्म कर दी? धर्म, मूल वंश, जाति, उद्भव, एक नया शब्द है इसमें क्या? उद्भव, इसमें 7 होंगे। हाँ, उद्भव और निवास स्थान, हाँ इसमें 7 है वहां 5 है। उद्भव और निवास स्थान, ये उद्भव क्या होता है? किसी को नहीं पता? पूर्वजों का क्या? हाँ उनसे ही है। जैसे मान लो एक लड़का है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, उसके पेरेंट्स कभी बर्मा के रहने वाले थे और किसी खूंखार जाति के लोग रहे होंगे, लेकिन लड़के ने पढ़ाई लिखाई की, सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, बोले इन लोगों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा नहीं। एक निवास स्थान, सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर यहाँ राजस्थान वालों के लिए बेवकूफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही नहीं आया, 16-2 पढ़ ले, भेद है ही नहीं ना। यूपी का स्टूडेंट यहाँ एग्जाम नहीं दे सकता क्या? आरजेएस का दे सकता है, यहाँ का पीसीएस ये नहीं दे सकता? दे सकता है। एमपी दे दो, तमिलनाडु दे दो, केरल दे दो, जहां मन करे दे दो वहां पे दे दो।
रिजर्वेशन केवल 50% सीट्स के लिए है, कितनी और ऊपर की 50% सीट्स हैं, कहीं पर भी जाओ उससे कोई असर नहीं पड़ता, किसी भी देश में दो। तो निवास स्थान के किसके आधार पर भेद नहीं कर सकते। हाँ, रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, स्टेट के एग्जाम्स में उस स्टेट के लोगों को 50% रिजर्वेशन है। अब आप मान लो यूपी के रहने वाले हो और वहां किसी कैटेगरी में आते हो, यूपी के रहने वाले हो और किसी कैटेगरी में आते हो, वहां रिजर्व कैटेगरी में आते हो, यहां एग्जाम देने आओगे तो जनरल समझे जाओगे। जो लोग किसी रिजर्व कैटेगरी में यहां आते हैं वो यूपी में जाएंगे तो जनरल समझे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हम ऑल इंडिया का एग्जाम की जुडिशरी की तैयारी करेंगे, तो मैं पूछता हूं आपकी कैटेगरी क्या है, कि सर रिजर्व कैटेगरी में है। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा आरजेएस क्यों, क्यों है? तुम वहां रिजर्व जनरल में आओगे, यहां तुम्हें लाभ मिल रहा है, और वहां के जनरल तुमसे कैसे कमजोर होंगे, वो तुम्हें कैसे एंट्री लेने देंगे अपने, आपका कंपटीशन उनके साथ होगा। ऐसे ही लड़कियां सोचती हैं, सर हम हरियाणा देंगे, डीजीएस देंगे, अरे तेरे लिए सबसे अच्छा राजस्थान ही है, वहां जनरल बॉयज में जाएगी, किसमें जाएगी, जनरल बॉयज में। वहां जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है 30%, वो नहीं मिलेगा, वो रिजर्वेशन केवल और केवल राजस्थान में ही मिलेगा। जनरल की भी कोई लड़की है तो उसे दूसरे स्टेट का एग्जाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे रिजर्वेशन यहां मिल रहा है, दूसरी स्टेट में जाएगी जनरल बॉयज। लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई लड़का है वो किसी भी दूसरी स्टेट में जाकर एग्जाम दे तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो दे सकता, क्योंकि उसके लिए इस स्टेट में या उस स्टेट में कंपटीशन का लेवल एक ही रहेगा, उसके लिए ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, उसके लिए ये एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का है, क्योंकि वहां के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो यहां भी आएंगे, यहां के वहां जाते हैं। आप देखो वहां के बहुत सारे स्टूडेंट यहां सेलेक्ट होते हैं, यहां के बहुत सारे स्टूडेंट वहां सेलेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक ही लेवल के हैं। तो निवास के संबंध में कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, सर मैं वहां गुजरात में इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे को सिर्फ इसलिए नहीं लिया, मैं राजस्थानी थी, बेवकूफ, ऐसा लेना देना है नहीं, है नहीं कि भाई गुजरात में दे रहे हो कि मध्य प्रदेश में दे रहे हो, कहां दे रहे हो, तेरे नंबर कम थे, ये कहने में संकोच होता है। जैसे मेरे से कोई गए कि साहब तुम सेलेक्ट नहीं हुए, अरे यार मेरे नंबर कम आए ना इसलिए नहीं हुआ, इंटरव्यू में निकाल दिया, अरे इंटरव्यू में कैसे निकालेगा, दोनों नंबर जुड़ते हैं। हाँ, पहले एक कंसेप्ट था, जैसे यूपी पीसीएस में भी था, यहां भी था, वहां क्या कर रखा था, जैसे 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो 100 नंबर में आपको 33.5 नंबर लाना, वो 35 नंबर लाना जरूरी थे, अब दे दिए 33.5-33, तो आपके मेंस वाले तो कनेक्ट ही नहीं हुए ना आपके साथ में, अब वो पॉलिसी सब जगह खत्म हो गई, पहले थी ये पॉलिसी मिनिमम मार्क्स की, राजस्थान में भी थी, यूपी में भी थी। तो मैं जब देने गया तो बहुत नंबर आए, लेकिन उन्होंने कहा मिनिमम नहीं दिया, 33.5 ही दे दिए, अब वो खत्म हो गया, अब नहीं है, सभी जगह खत्म कर दी, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर तो इंटरव्यू के नंबर माने रखेंगे, इंटरव्यू वाले चाहेंगे तो पास, नहीं तो नहीं। भाई मान लो कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और इंटरव्यू में बैठने वाले लोग होते हैं हाई कोर्ट जज, अब हाई कोर्ट जज
हो या कोई भी हो, एक बुराई है, मानवीय प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कहेंगे बुराई तो नहीं कहेंगे, हर आदमी अपने जैसे व्यक्ति को पसंद करता है। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूं, भाई देखो जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ सूट में जाना, क्योंकि वहां जो हाईकोर्ट जज बैठे हैं वो सूट बूट वाला ही बैठेगा, सूट बूट टाई लगा के। बिल्कुल एडीजे का एक बार इंटरव्यू हुआ, बिल्कुल उसमें मई के महीने में, मैंने उन्हें मई के महीने में सूट बूट से ही भेजा, या नहीं आप सूट में जाओ, वहां सूट पहन के टाई पहन लेना, अंदर तो एसी चल रहा है ना, बाहर थोड़ी देर बाद उतार देना, तो सबको वही सूट पहना है, ठीक है। तो चूंकि वो अपने जैसा देख रहा है, अब मैंने बहुत सारे लोगों की सबकी बहुत सारे के सबकी लव सबकी फेशियल वेशियल भी करवाया, अब लोग कहने लगे सर ये क्यों करा रहे हो, एक जिसका इसका दीवान का जिन्होंने करवाया, मैंने उनका भी करवाया, वो मेरे से बोले कि वो भी जज साहब डिस्ट्रिक्ट जज है, तो मेरे से बोले कि सर ये तो मैंने शादी पे भी नहीं कराया था, मैंने कहा अब करवा लो, इससे क्या असर पड़ेगा, इससे असर ये पड़ता है कि चेहरा थोड़ा चमकता हुआ होता है तो वो सोचते हैं इंटेलिजेंट है। अब चेहरे की चमक का इंटेलिजेंसी से क्या मतलब है, यार ये प्रफुल्लित रहता है, दबाव में नहीं आता, और जो इस तरह रहेगा उसका चेहरा थोड़ा सा अपने आप चमक आने लगेगा, जो ज्यादा चिंतित रहता है ना वो उसका चेहरा अपने आप डल होने लगेगा, चिंता की वजह से चेहरा डल होना शुरू होता है, और सबसे पहले चेहरे पे ही आती है आपकी चिंता, तो ऐसे डल चेहरे को पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं करता। खैर 16-3 अभी इम्पोर्टेंट बात है, देखो इस 16-3 को समझो, स्टेट को तो ये बिल्कुल ही पावर नहीं है किसी भी राज्य को कि वो ऐसा कानून बना दे कि हम तो आरजेएस में राजस्थान वालों को लेंगे, बना ही नहीं सकते। क्यों? 16-3 परमिशन ही नहीं देता। ऐसा कानून कभी जरूरत भी पड़े तो केवल संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, अन्यथा स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता कि इतने परसेंट पद राजस्थान वालों के लिए फिक्स होंगे, नहीं, कानून ही नहीं बनाया जा सकता। हाँ कोई आदमी कहता है साहब हम तो गुजराती अचलती है, हम तो गुजराती आती है, अरे भाई गुजराती इसलिए नहीं रखी गई है कि गुजरात वालों को लेने, ना गुजराती सिर्फ इसलिए रखी गई क्योंकि वो आवश्यकता है, अधिकारी ऐसा हो कि कोई गुजराती में आया बयान कराने, अपने गवाह आया, पीड़ित आया, तो उस जज को गुजराती समझ में तो आए कह क्या रहा है, तमिलनाडु में तो तमिल तो समझ में आए कह क्या रहा है, तुम्हारे पास और उससे फेल से उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है, उन्हें तो देश के बेस्ट लोग कहीं से भी मिल जाओ किसी भी स्टेट के, इससे क्या सब पड़ता है कि तुम तमिलनाडु के हो कर्नाटक के हो, और जितना समझदार आदमी होता है उसके समझ दिमाग में नहीं आती, जितना ना समझ होता है उतना ही वो अपना क्षेत्रवाद करेगा, अपना जातवाद करेगा, अपना क्षेत्र धर्मवाद करेगा, जो जितनी समझ के पीछे है, ये इसके पीछे समझ, ये समझ कितनी है, तो जिसकी समझ कमजोर है
वही ऐसा सोचता है, ऐसा करता है। तो जो ऊपर लेने वाले हैं उन्हें तो देश भर से कोई शानदार स्टूडेंट मिलता है, हाँ, लेकिन गुजराती, मराठी, पंजाबी, इनके संबंध में जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, जज को आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि सीधा संपर्क बनेगा। आप तो अंग्रेजी जानते हो, लेकिन अपराधी अंग्रेजी थोड़ी जानता है। अब वो कुछ कह रहा है पंजाबी में, आप सोचते हो क्या कह रहा है भाई साहब ये। अब बार बार आप पूछोगे किसी को, बताना ये क्या कह रहा है, तो वो कभी उल्टा भी बता सकता है, उसके फेवर का भी बता सकता है। आपको समझ में आनी चाहिए ना। इसलिए ये रीजनल लैंग्वेज डाली जाती हैं, क्योंकि उनके फैसले करने के लिए आपके वेलफेयर का राज्य को कोई लेना देना नहीं है कि आप कमाओगे नहीं कमाओगे, आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसे क्या लेना देना। अरे भाई तुम्हारा नहीं हो रहा तो मत हो। अब जैसे आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप सोचते हो यार अंग्रेजी आफत है, अंग्रेजी क्यों डाल रखी है। अरे अंग्रेजी नहीं डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया हुआ है, तुम पढ़ोगे कैसे, उसकी रूलिंग को निकालोगे कैसे। मान लो वकील आएगा, रूलिंग देगा, आप उससे बहस में तो कह सकते हो भाई साहब हिंदी में बहस कर लो, लेकिन वो कहेगा साइटेशन, उसे ये थोड़ी कहोगे ट्रांसलेट करके लाओ, हमें तो आती नहीं। तो ऐसा पंगा पाले ही क्यों? उन्होंने पहले डालते जिन्हें इतनी अंग्रेजी आती है वो आ जाओ, नहीं आती तो तुम जाओ अपने घर। रोजाना रूलिंग्स निकाल के ही तो पेश करते, जजमेंट कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कह रहा है, तो जजमेंट्स की कॉपी होती है। और आपको नहीं आती है अंग्रेजी, इतनी भी नहीं आती है, तो डोंट वरी, पहले अंग्रेजी सीखो फिर आओ, इसलिए अंग्रेजी रख रखी है। हिंदी क्यों? मान लो कि तमिलनाडु का है, अंग्रेजी तो खूब आती है, अब यहां आ गया राजस्थान में, तो राजस्थान में कोई गवाह आएगा वो हिंदी बोलेगा। अब कहो राजस्थानी क्यों नहीं, राजस्थानी भाषा नहीं है, बोली है। क्या चीज है? बोली और भाषा में अंतर है। बोली तो हर 12 कोस में चेंज हो जाती है। अब जैसे यहां पे जो भाषाएं हैं, डुंडाड़ी है, मारवाड़ी है, ये हिंदी की ही बोलियां हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा उपयोग नहीं किया है। तो जिसे हिंदी आती है थोड़ी देर में उसे वो समझ में आएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही कितना भी फ्लुएंट हार्ड होती बोले लेकिन थोड़ी देर में समझ में आई। अब जैसे मैं जा रहा हूं और वहां हार्ड होती में बोलेगा मुंह जा रू चू, मैं रहा हूं उधर, तो मुझे आइडिया है, बोलनी नहीं आती मुझे लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ में सारी आती है। तो क्या समय में आई 16-3 में? स्टेट, एनी स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट इज प्लेस ऑफ बर्थ। स्टेट कोई नहीं बनाएगा, बट द पार्लियामेंट मे मेक सच लॉ विच इज रिक्वायर्ड। ऐसे कानून को पार्लियामेंट बना सकती है। अब देखो ऐसा जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती है, जैसे एपीओ की आई तो उसमें वैकेंसी में
खासतौर से भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उन एरियाज के लिए फिक्स किया हुआ था। आएगी हाँ, एसटी कैटेगरी के लिए थी। तो वहां क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों रिजर्व किया? वो गवर्नमेंट नहीं बना रखे हैं। राजस्थान में भी जनजातीय क्षेत्र है, ये वाला जो मैंने भी आप बताया, तो वो जनजातीय क्षेत्र की स्पेशल है। वो किसने बनाया हुआ है नियम? संसद ने बनाया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का नियम नहीं है, संसद का नियम। तो स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि उनकी परंपराएं, और कार्य अलग थे। वनवासी एक शब्द है ना, वनवासी और एक आदिवासी, इसमें बड़ा चुनाव में आजकल वो हुआ, बीजेपी ने रख दिया वनवासी। उनका मैंने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि ये चाहते हैं तुम वन में रहो। और आज का उन्होंने कहा हम कहते हैं आदिवासी। बोले आदिवासी का मतलब है जो शुरू से चले आ रहे हैं, जिनका ही है शुरुआत। तो जो आदिवासी एरिया हैं उनके लिए समझ में आ गया क्या 16-4? हाँ जी सोहेल, कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे थे हम अभी? 16-3 पढ़ रहे थे, 16-4 पक्का? एक है 16-4A, पढ़ो इसका ब्रीफ कर लिया क्या आपने? लिख लिया 16-4 का ब्रीफ कि राज्य कोई कानून नहीं डोमिसाइल के संबंध में राज्य कोई कानून नहीं बनाएगा, केवल संसद बना सकती है। इतना ध्यान रखो बस, इतना इसको ब्रीफ लिख लेना। सोलह चार नहीं पढ़ा था वो, सो रहा है वो, कह रहा था ना 16-4। मैंने तो इसलिए तो पूछा, मैंने कौन सा पढ़ रहे हैं 16-4, मैंने पक्का कहा, पक्का कहा, सो रहा था है? 16-3 में सब बोल रहे थे, यहाँ आ जा सामने आ जा तू। नहीं नहीं सामने नहीं है, वहां इधर आ, कोने में सो रहा है। मतलब मैं पढ़ा के आ रहा हूं तो तेरे को यही ध्यान नहीं है। 16-4 में रिजर्वेशन है, क्या है रिजर्वेशन मिला है 16-4 और 16-4A, दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन आर्टिकल को, सारे आर्टिकल्स को किस तौर पर याद रखोगे? सब क्लॉज वाइज, हर एक क्लॉज आपको पता होना चाहिए कि 16 के ये वाले क्लॉज हैं, हर एक में अलग अलग आर्टिकल है। 16 की हेडलाइन याद रख रखिए, कोई काम की नहीं है। सारे क्वेश्चन अंदर से आते हैं, हेडलाइन वाले क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं है। तो सारे नंबर्स की हेडलाइन बनानी है अपनी, हर आर्टिकल की जो सब क्लॉज है, हर एक की अपनी अंडरलाइन बनानी है, अपनी हेडलाइन बनानी है। हाँ पढ़ो भाई 16-4 पढ़ो। अब देखो इसमें एक लाइन में इस बात को 16-4 को लिख लो कि पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए राज्य लोक नियोजन में पद आरक्षित कर सकता है
यदि उनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है, इतनी सी बात ध्यान रखो 16:4 के, द स्टेट में मे रिजर्व द मे रिजर्व द पब्लिक ऑफिस फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस इफ इंपॉर्टेंट है इसमें, इफ देयर इफ देयर रिप्रेजेंटेशन या इफ देयर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट एडिक्वेट इन पब्लिक जॉब्स। इस चीज को समझ लो पहले, देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये। देखो जैसे हम ये माने, राजस्थान के संबंध में मान लें, राजस्थान में ओबीसी की जनसंख्या ये मान लेते हैं कि 30% है। कितनी? 30% ओबीसी की। अब हमने 30% क्यों मानी? क्योंकि रिजर्वेशन 27% है। ओबीसी का रिजर्वेशन कितने परसेंट है? 27%। तो हम मान के चलते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या करीब करीब 30% है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जैसे मान लो राजस्थान के कुछ 100 पद हैं, कितने? 100। उन 100 पदों में 30 पद किसके होने चाहिए? ओबीसी के होने चाहिए। यदि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पर्याप्त रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है, तो राज्य क्या कर सकता है? तब तक रिजर्वेशन रख सकता है जब तक कि उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन उस रूप में 30 ना हो जाए 100 में से। मान लो वो अभी 25 है और 30 हो गया तो यहां रिजर्वेशन खत्म। समझ में आया? अब देखो इसके संबंध में ऐसे ही एससी और एसटी के संबंध में भी है। तो एससी एसटी में तो आपने नीचे रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन जैसे नीचे 1000 पद हैं, आपने रिजर्वेशन उस हिसाब से दे दिया, लोग आ गए। अब हुआ क्या? प्रमोशन हुआ। प्रमोशन पर ये रह गए यहां 500, तो 1000 पदों में जो रिजर्वेशन के आधार पर आने चाहिए थे वो आ गए। अब यहां ऊपर की कैटेगरी में, ऊपर की कैटेगरी, सबसे ऊपर की कैटेगरी के जो लोग हैं वो जनरल से शुरू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मान लो कोई एससी का है, एसटी का है, कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, जंप कर गया तो फर्स्ट रैंक उसकी आ गई तो वो जनरली माना जाएगा। हर ऊपर की कैटेगरी जनरल समझी जाएगी, फर्स्ट रैंक आएगी तो आएगी, तो जितने ऊपर आ सकते हैं उनमें वो आ गए। अब क्या हुआ कि यहां 500 हो गए और यहां ऊपर जाके 50 हो गए, ऊपर 50 ऑफिसर चला रहे। तो इसलिए अब यहां क्या हुआ कि ऊपर ऊपर वाले जो लोग थे वहां पहुंच गए 750 और रिजर्व वाले पहुंचे 50।
तो यहां इनएडिक्वेट हो गया ना, रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, गलत हो गया भाई। जो यहां तो आप एग्जाम पास करके आए तो ऊपर वालों को जो टॉप कैटेगरी के थे वो प्रमोशन लेकर ऊपर चले गए, फिर यहां से ऊपर चले गए, तो यहां पर जीरो हो गया, यहां 50 आए। तो नीचे के लेवल पे तो बहुत संख्या में, चूंकि एग्जाम हो रहा था बहुत संख्या में थे, और चूंकि प्रमोशन कैसे करोगे, प्रमोशन तो करोगे जो लिस्ट आई है, तो लिस्ट में क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो पता लगा वो तो सारे जनरल के, वही लिस्ट आगे काम आई, वही लिस्ट क्या हुई आगे काम आई, खट से जनरल जनरल के यहां आ गए, फिर और वही लिस्ट यही काम आई, फिर ये यहां आ गए। तो एक तरह से ऊपर कोई इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं, तो उसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई कि रिजर्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर के लेवल पर नहीं है। अभी जैसे राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि पूरे भारत की सरकार को कितने लोग चलाते हैं, कोई संख्या दी थी, 100 लोग चलाते हैं ये मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी के सिर्फ 3 ही हैं, एसटी एसटी का कोई नहीं है, तो बोले यहां क्यों नहीं है, अब वो कहेंगे साहब ये तो प्रमोशन ऐसे हो ऐसे होकर आए ऊपर, तो बोले यहां भी प्रमोशन दो। तो जो 75 लोग चलाते हैं, 75 डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड्स हैं उनमें ऊपर है ही नहीं, वो नीचे तो है। तो अल्टीमेटली वो क्या कह रहे हैं कि यहां जब प्रमोट कर रहे हो तो अलग अलग कैटेगरी बनाओ प्रमोशन के लिए, एक लिस्ट जनरल की बना ली, जैसे 100 स्टूडेंट, अभी 200 स्टूडेंट पास हुए तो 100 तो जनरल के होंगे और 100 कैसी होंगी रिजर्व कैटेगरी, उनकी अलग अलग लिस्ट बनाओ, तो सभी को इसका फर्स्ट, इसका पहुंच गया, जो ओबीसी का फर्स्ट होगा वो अलग पहुंच गया, एसटी का फर्स्ट होगा वो अलग पहुंच गया, एससी का फर्स्ट होगा वो अलग पहुंच गया, तो इनकी फर्स्ट कैटेगरी, इनकी फर्स्ट कैटेगरी, इनकी फर्स्ट कैटेगरी, इनकी फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे करके जाएंगे, तो इनको प्रमोशन इस तरह की इस लिस्ट में ओरिजेंटल जाएगा। समझ में आई कुछ बात, तो ये इस कैटेगरी से प्रमोशन जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा कि ये 450 रहकर 250 ही रह जाएंगे। अब आपने यहां भी कर दिया तो यहां पर भी यही स्थिति होगी, यहां 50 है 25-25 हो जाएंगे टॉप लेवल पर। लोगों ने इसको कहा कि ये गलत किया प्रमोशन में, चलो ठीक है नीचे के लेवल पर तो आपने रिजर्वेशन दे दिया वो ठीक है, लेकिन प्रमोशन में क्यों दे रहे हो, तो यदि नहीं देंगे तो चूंकि रिजर्व लिस्ट तो नीचे से शुरू होगी, वो तो कभी आ ही नहीं पाएंगे ऊपर, तो इसका क्या है, हर लेवल पर करना पड़ेगा ना ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इसलिए इसमें प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जिससे कि ये हर कैटेगरी में ऊपर तक पहुंच जाए लोग। समझ में आ गई क्या आपके। इसमें एक नागराज का केस है, फेमस केस है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है कि रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्या चीज रिप्रेजेंटेशन कितना है, प्रतिनिधित्व कितना है, तो प्रतिनिधित्व तक देना है ये। मान लो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये जनरल में भी स्टूडेंट आने लग गए, भाई ये तो डिपेंड किस पर रहता है, पढ़ाई लिखाई पर। मान लो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट यहां तो रह गए, जनरल के तो रह गए 100, और रिजर्व कैटेगरी के ही स्टूडेंट इधर भी जंप कर गए, और यहां ये तो है ही सही 250, और बाकी 150 कौन से आ गए, रिजर्व कैटेगरी के आ गए, तो रिजर्व कैटेगरी का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो गया ना, ये कितना हो गया
तो फिर यहां आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनका प्रतिनिधित्व कितना है और ये प्रतिनिधित्व किस चीज के आधार पर तय होगा, उनकी जनसंख्या के आधार पर। अभी क्या हुआ कि सबसे पहली जनगणना हुई 1872 में और 1881 में से कंटिन्यू हर 10 साल में जनगणना हो रही है। तो जनगणना में क्या बहुत सारी चीजें चेक करते हैं और उस सेंसस कंटिन्यू चला आ रहा है, लेकिन भारत में अभी जातिगत जनगणना नहीं हुई है अभी तक। ये जो रिजर्वेशन दिया हुआ है एक आइडिया बता दिया कि भाई ये 12% है या 8% है या 27% है, लेकिन संख्या के आंकड़े प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार नहीं चाहती थी कि इन आंकड़ों को उजागर किया जाए। अभी ये स्थिति को इन लोगों ने बल दे दिया कि नहीं, इसी जनसंख्या में जातियों को उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए जातियों का एग्जैक्ट फिगर क्या है, कितने परसेंट कौन सी जाति है, इसको करवाना है। अभी जो वर्तमान में सरकार है ये इन्होंने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने इस बार चुनाव जो लड़ रही है वो अपनी इस पॉलिसी के आधार पर लड़े कि नहीं, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अब बात आती है जीतने पर, जीत गए तो करवा लेंगे, हार गए तो फिर अगले 10 साल बाद सोचेंगे, 3 दिन बाद पता लग जाएगा। वैसे तो एग्जिट पोल कल ही आ जाएंगे, कल 1 तारीख है ना, है? कल 1 तारीख को पता लग जाएगा। पर संभावना ज्यादा ये है कि सरकार तो जो है वही बनाएंगे। कारण है कि पैसा इनके पास ज्यादा है ना। मान लो जैसे मैं आदमी क्या करता है, अच्छा 100 करोड़ दे रहे हो, भाड़ में जाने दो, आगे जीता नहीं जीता तो वो अपने दाम पहले निकालने की कोशिश कर रहा है। अब उनके पास है ही नहीं, वो तो बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने खाते खुलवा दिए, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ पाते। एक के पास 6,500 करोड़, एक के पास 600 करोड़, तो कहां वो होगा, 6 ही नहीं आएंगे उनसे खरीदने में। और खरीद फरोख्त से ही हो रहे हैं चुनाव तो। सोलह चार थोड़ा समझ में आया, थोड़ी कैलकुलेटिव था ये। पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोक नियोजन, दोबारा पढ़ लो इसको, 16-4, 16-4 ये दोनों साथ साथ पढ़ लो, दोनों ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है। 16-4 पढ़ो जोर से। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामले में श्रेष्ठता या परिणाम से आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वारित नहीं करेगी। अब जिसमें दोनों चीज आ गई, एक तो वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन, अब रिजर्वेशन तो दे रखा है, राज्य की राय, राय कैसे बनाएगा राज्य? ये बड़ी विडंबना है कि आपने रिजर्वेशन तो दिया, आप कहते हो कि राज्य की राय में हो सकता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है ज्यादा हो, तो तुम राय कैसे बना रहे हो? तुम्हारे पास सेंसस के कोई आंकड़े तो है नहीं,
कोई जनगणना हुई नहीं जाति आधारित, तो तुमने कैसे राय बनाई गए इतने? हो सकता है कि वो ऑलरेडी ज्यादा हो सकता है कि कम हो, तो राज्य की राय कैसे बने? इसीलिए उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि नहीं, हम ये जनगणना एक बार फिक्स डेटा निकल कर आए कि कौन सी जाति के लोग कितने परसेंट हैं, और यह भी पता लग जाएगा किस जाति के लोग कितने परसेंट ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे धर्म के आधार पर तो हो रखी है कि मुस्लिम कितने परसेंट हैं, ये कितने परसेंट हैं। अब जैसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिमों को कहा गया, लेकिन उनकी जो सेंसस की ग्रोथ पढ़ोगे तो हिंदुओं की और मुसलमानों की बराबरी है। ये प्रचारित किया हुआ है कि मुस्लिम ज्यादा तेजी से बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। सेंसस तो उठाओ, उसमें तो देखो कहां परसेंटेज में अंतर आ रहा है। गरीब बराबर लेवल पर ही बच्चे पैदा कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। उसके लिए बच्चे पैदा करना उसकी उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स है हर गरीब की, हिंदू मुस्लिम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये सोचता है यार दो बच्चे होंगे तो दो ज्यादा नहीं कमाएंगे क्या, चार होंगे तो और ज्यादा कमाएंगे, तो वो इकोनॉमिक्स तो सही है उसकी, क्योंकि वो तो ये सोचता है एक को मैं पंचर की दुकान लगवा दूंगा, एक को मैं सब्जी की दुकान लगवा दूंगा, एक को मैं चाय की लगवा दूंगा, ऐसे करके चार जगह से ना वो आएगा, इनकम आएगी। तो वो चूंकि गरीब है उसका सॉफ्टवेयर उसकी इकोनॉमी को इतनी ही इकोनॉमी को समझता है, इतनी ही इकोनॉमिक्स उसे समझ में आती है, इसलिए वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। गरीब तो करेगा ही करेगा ज्यादा बच्चे पैदा, अमीर के बच्चे कम हो जाएंगे, ज्यादा अमीर के तो पता लगा एक भी नहीं होता। जैसे कुछ लोग ये समझने लग जाते हैं थोड़े पैसे वाले हो जाए, अरे देखो हमारे तो एक है दो है, अरे तुम्हारे एक दो तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है कि वहां एक दो ही होगा और वो गरीब है खुश रहता है और खुशी से परमात्मा उसे देता रहता है। अमीर है वो दौड़ लगा रहा है कमाने में, अभी देखो कभी जाके देखोगे ना हैप्पीनेस सेंसस, तो गरीबों का कराया जाए और अमीरों का कराया जाए तो अमीर रेड लाइन में मिलेगा, दुखी ही मिलेगा। गरीब अब उसके पांच बच्चे हैं, पत्नी बैठ गई है चटनी से खा रहे हैं बड़े खुश आराम से और पेड़ की छांव में बैठ खा रहे हैं, उसके सामने और यार उसका पेमेंट नहीं गया, उसकी किस्त बाउंस, उसकी ये और उसका वो झंझट, वो बहुत परेशानी में है। तो हैप्पीनेस जो सूचकांक है गरीबों का ऊंचा है, वो तो न्यूट्रिशन की वजह से उन्हें वो कम चल पाते हैं लेकिन वो हैप्पी होते हैं। अभी 2 बजे 45 डिग्री टेम्परेचर, 48 डिग्री दिल्ली में पहुंच गया, 53 डिग्री भी यहां पे, जो छोटे छोटे बच्चे चौराहे पे कला खाते फिर रहे हैं और थोड़ा सा आपके शीशे पे हाथ मार दिया लाओ पैसे मस्त है, उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा कि गर्मी है या नहीं है। और जो थोड़े से पैसे वाले हैं जो एसी में रहते हैं उन्हें अखबार पढ़ते गर्मी 53 डिग्री, वो गर्मी वहां अपने आप आने लगती है, एसी में बैठा है 53 डिग्री सिर्फ पढ़ा है। तो ये
तो ध्यान रखना, कोई अमीरी हर चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, धन कोई हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, सारी समस्याओं का कारण भी है। जितने पैसे वाले बनते जाओगे, बढ़िया गाड़ी में तो बैठे हो लेकिन तनाव में, अरे यार उसकी वो पैसे, अरे सर करवाता हूं ये करता हूं। तो हैप्पीनेस सूचकांक कमजोर होता है। ऐसे ही जो गरीब महिला है, धूप में वो अपने चेहरे को देखती है तो अपने आप को सोचती है ठीक है सुंदर ही है, वो नहीं देखती कई बार पानी से मुंह धो लेती, खेतों में काम करके आई है, लेकिन खेतों में काम उसे दिमाग में नहीं आता चेहरा पे कुछ लग रहा है, कुछ गंदा है, कुछ काला हो गया है, कुछ झाइयां आ गई हैं, कुछ कुछ आता ही नहीं दिमाग में। मैं अपनी माँ को भी देखता था, ऐसे कुछ आया ही नहीं दिमाग में, वो क्रीम पाउडर जानती नहीं कुछ लगाना चेहरे पर। लेकिन जो पैसे वाली वो देखती है कि अच्छा शीशा देखा ठीक, किसी ने कहा यार आज तो चेहरा डल हो रहा है, उसका दिमाग खराब सुबह से शाम तक उसे अच्छा ही नहीं लगा, उन्होंने कहा यार चेहरा डल हो रहा है, डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर भी जानता है बेवकूफ है, डॉक्टर भी जानता है बेवकूफ है, वो कहेगा कि अच्छा ये वाली टेबलेट, और वो लिख देगा पता लगा बिल 500 रुपया किस टेबलेट लिख दी, 500 रुपये जेब में दे दी। अच्छा इसमें दोनों की किसी की भी कमी नहीं है, पैसे वाले की भी कमी नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर जनरेट होता है कंटिन्यू, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ये सब चीजें स्वभावगत है उसके अंदर आती जाती हैं। लड़के भी कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी और फेयर एंड लवली में लग रहे हैं, चेहरा थोड़ा चमक जाए, अरे कहां ध्यान दे रहे हो। चलो नेक्स्ट, तो 16:4 और 16:4 ये पढ़ दे, वो भी पढ़ दे, हाँ इसका 16:4 भी है ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे मान लो 100 सीट निकली ठीक है, 100 में से क्या हुआ कि 50 रिजर्व कैटेगरी की, 50 नॉन रिजर्व। अब क्या हुआ कि इसमें तो कैंडिडेट मिल गए पूरे और इसमें मिले 25, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, 25 सीटें चली जाएंगी नेक्स्ट वैकेंसी, दूसरी बार निकली वैकेंसी 120 नए पद, तो इसमें 25 और जुड़ गए, कितने हो गए 145। अब जो कैटेगरी आएगी तो 120 का मतलब 60+60+25, तो ये सीट कितनी आई 85। ये 85 कैसे आई, और यहां रह गई जनरल की 60। जनरल का स्टूडेंट देखो हमारी तो सिर्फ 60 ही आई है, अरे भाई उनकी पुरानी थी, मिले नहीं थे लोग इसलिए ज्यादा आई है। तीन साल तक कंटिन्यू रखते हैं, वैसे इसमें नियम नहीं है लेकिन नियम बनाए गए बाद में कि 3 साल तक तो नहीं मिलता है तो ठीक है, जैसे एडीजे में भी बनाया गया, और 3 साल बाद वो जनरल से भर दी जाएगी, या 3 साल तक नहीं मिलते तो जैसे अभी 85 हो गई, फिर और 85 में भी मान लो यहां मिल गए 30, तो बची कितनी, कितनी बच गई इसमें से 55, फिर 55 फिर निकली 120, तो उसमें 60+60+55, तो ये कितनी निकली
अब फिर इसके बाद भी नहीं मिले और ये संख्या बढ़ गई, तो ये जो नीचे से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहे थे कंटिन्यू तीन साल तक पदों के लिए आदमी नहीं मिला, तो फिर उसको जनरल से भर दे। देखो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट, भाई मिनिमम नॉलेज तो होनी चाहिए। मान लो किसी को बिल्कुल ही नहीं आता, उसे मजिस्ट्रेट बना के बैठा दिया जाए, वो आती हो जाएगा थोड़ी देर में, उसे समझ ही नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है वकील, तो मिनिमम नॉलेज तो उसके पास भी जरूरी है। समझ में आई बात? अच्छा, यही वजह है कि उनकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि रिजर्वेशन का सारा संबंध इस बात से है जितनी कैटेगरी है। जैसे कोई एससी की कैटेगरी का है तो एससी में जितने स्टूडेंट दे रहे हैं उनका कंपटीशन सिर्फ उससे है, उस कैटेगरी में कोई दूसरा जनरल का आ नहीं सकता या दूसरी कैटेगरी का आ नहीं सकता। जो एसटी का है उसका कंपटीशन उसी से है। अब मान लो जो एसटी में भी दो कैटेगरी हो गई, एक बॉयज और एक गर्ल्स, तो जो गर्ल्स वाले हैं वो एसटी की गर्ल्स में ही उनकी आपस में लड़ाई है, उसी कैटेगरी की लड़की उसमें उसमें दूसरी जगह एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है इनमें से हर एक को ही अधिकार है कि नॉन रिजर्व में कोई भी जा सकता है। तो जैसे मान लो यहां 10 पद हैं, इसमें से एक आदमी उठ के नॉन रिजर्व में चला गया, नॉन रिजर्व में चला गया तो यहां से जाके यहां आ गया, तो यहां संख्या कम हो जाएगी उसकी, वो जनरल, उसको जनरल माना जाएगा और यहां फिर भी 10 ही आएंगे सीटें। मान लो 100 सीटें निकली, इन 100 सीटों में से 50 रिजर्व और 50 नॉन रिजर्व, तो 50 नॉन रिजर्व आई तो इसमें क्या किया, मान लो जो जनरल कैटेगरी के थे उनमें रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने इतनी ज्यादा मेहनत की, पता लगा 1 से 50 तक के पे भी रिजर्व कैटेगरी के आगे, और जनरल की किसी सीट जनरल कैटेगरी के बच्चे बच्चा मिला ही नहीं, तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जनरल बनने का सबको राइट है, ये है उनका, क्योंकि जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। यदि से जनरल का कह दें तो ये तो क्या हो जाएगा, जनरल का रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन ही खत्म हो गया। समझ में आ गया? ये इस तरह है रिजर्वेशन की व्यवस्था। अब जैसे प्री है, प्री में आप देखोगे कई बार ऐसा हुआ कि ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जाती है जनरल से। पहले क्या है कि जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी में थी उसी कैटेगरी को ओबीसी में ले लिया गया, पहले जाट जनरल कैटेगरी में आते थे उन्हें ओबीसी में ले लिया, अब चूंकि वो पढ़ने में भी वैसे ही थे तो उन्होंने क्या कर दिया, इसकी कट ऑफ इससे ऊपर निकल गई, अब वो प्री में ही रहती है, फाइनल कैट जाते जाते फाइनल में नहीं रहेगी, वो प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के लिए ही ऐसा अलग अलग कैटेगरी बना के, क्योंकि फाइनल तो दे नहीं रहे, फाइनल में तो जा ही नहीं सकती, तो जो फाइनल में जो आएंगे वो उसमें मान लिए जाएंगे जनरल में, ओबीसी का कोई भी चला जाएगा वो जनरल में माना जाएगा। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम काफी टफ है, उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, बराबर मेहनत नहीं बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बात कुछ समझ में आई? लेकिन इसके बारे में पता किसी को नहीं है किस लेवल पर कट जाएगा, तो रिजर्व कैटेगरी वाले को भी खूब मेहनत करनी चाहिए, वो ये सोच के बैठ जाए ना कि नहीं मेरा तो रिजर्वेशन मेरा तो हो ही जाएगा, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कहीं दूसरी जगह कोई और स्टूडेंट उससे ज्यादा तैयारी कर रहा है। और आज रिजर्व कैटेगरी के बच्चे पता क्या है, अब आप देखोगे कि नीचे जो फोटो लग रहा है ना,
नीचे जो फोटो लग रहे हैं, इधर जो बच्चे लग रहे हैं वो अधिकतर रिजर्व कैटेगरी के। अब आप देखो वो सारे एनएलयूज में पढ़ी हुई लड़कियां हैं, अच्छी जगह पढ़ के आ रही हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आ रही हैं, अंग्रेजी अच्छी है, तो वो आपको कहाँ आने देंगे बताओ। तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके पेरेंट्स एक जॉब हासिल कर चुके हैं। अब उनके रिजर्वेशन तो उन्हें अभी भी मिला हुआ है, लेकिन एक जॉब हासिल कर चुके हैं। और जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी का ही है लेकिन उसके माता पिता ने कोई जॉब हासिल नहीं की, वो एक लेवल है उसका नीचे का है। अब वो दोनों फाइट तो दोनों के बराबर है ना। अब वो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए, एक दूसरे से पढ़ के आए, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो दोनों आर्टिकल 16(4) और 16(4)(a) आप लोगों में समझ में आया कि नहीं, 16(4)(b) भी पढ़ लेना, ये तीनों एक साथ है सिमिलियर। अब देखो क्या हुआ, 10% उन लोगों के लिए, भाई एससी या एसटी या ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों दिया गया? उसके तीन कारण हैं। एससी को और एसटी को तो दो कारणों से दिया गया, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। एससी को और एसटी को तो इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी जो स्थिति थी वो समाज में डिजर्टेड थी। कैसे? यहां नहीं बैठ सकते। जैसे अभी मैं एक रवीश कुमार का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कहीं बहुत समृद्ध और उस आदमी के यहां गए तो इंटरव्यू ले रहे थे, कोई बात करने गए, कोई नेता था, तो उसमें कोई व्यक्ति आया तो वो बैठे थे उनकी चारपाई पे, तो वो आके नीचे जमीन में बैठ गया, बुजुर्ग था, बोले आप नीचे कैसे बैठ गए? रवीश कुमार ने कहा आप नीचे कैसे बैठ गए? कि नहीं नहीं मैं बैठा हूँ नीचे, कोई अच्छा लग रहा है मेरे को जमीन पर बैठ के। उन्होंने नहीं हम समझते नहीं सर, यहाँ बैठो आप, और नहीं हम जा रहे हैं, हम इंटरव्यू लेंगे नहीं। फिर उससे कहा कि ये आपके सामने जमीन पर आपकी वजह से चारपाई पर नहीं बैठ सकते? कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं, नहीं नहीं बैठो चारपाई, चारपाई पर बैठो। उसको बोले मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा मैं आपका, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये जो स्थिति है वो सामाजिक के कारण किया कि समाज में ऐसे घुल मिल जाए। ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया वो आर्थिक है कि एक एरिया समाज में वो इस रूप में डिजर्टेड तो नहीं है लेकिन धन नहीं है उसके पास, तो धन के सहयोग के लिए दिया गया। अभी जो 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी को दिया गया वो दिया गया कि उनमें भी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी थी उनमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उनके पेरेंट्स इतना नहीं कमा पाए, तो उनको भी जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन और जो नया रिजर्वेशन दिया है 10%, वो दोनों ही आर्थिक पिछड़ेपन के लिए दिया गया है। एससी एसटी में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन जैसे गांव में इनविटेशन नहीं दिया, भाई अजय तो ठीक है इस कैटेगरी का है, नहीं दे रहे, नहीं बुला रहे, नहीं बैठ रहे, उसको बराबर करने के लिए। मान लो कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी बन गया गांव का, अब उसके लिए वो तो गाड़ी में आता है, अच्छा है, पैसे वाला हो गया, अब वो समाज क्या कहेगा, बराबर मानेगा कि नहीं मानेगा? तो इसलिए दिया गया। फिर वो ये समझ में आ गया शादी से कोई वो नहीं होता। अरे खत्म हो गया, केस लिखाऊंगा सारे। शादी से रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे तो सारे शादी कर चुके होते। अभी भी बहुत सारे लोग
शादी करते हैं और शादी करके म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं और फिर डाइवोर्स ही में रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं। जो टीचर्स के एग्जाम हुए वो सब साथ साथ रह रहे हैं और उन्होंने डाइवोर्स की डिग्री ले रखी है, पति पत्नी उन्होंने एक दिन भी अलग नहीं रहे लेकिन डिवोर्स की डिग्री ले ली और लेके एग्जाम दे लिया, डिग्री लेके पास हो गए। उस कैटेगरी में बहुत जल्दी मतलब कोई होता नहीं है तो जल्दी से वो सेलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा इसमें भी कर रहे हैं कुछ लोग आरजेएस में भी, क्योंकि उसमें सीट आती है, एक दो सीटें आती हैं, उनमें मिलता नहीं आदमी तो उन्हें खट से पास हो जाता है। शादी से एससी के लड़के से कर लो, उसके घर में ही जाके रहने लग जाओ, कुछ नहीं असर पड़ता, न एसटी का पड़ा है न एससी का पड़ता है। ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिए, बोले शादी करने से कोई रिजर्वेशन थोड़ी मिलेगा, रिजर्वेशन का संबंध है आपकी जाति से। उस लड़की की जाति एससी के लड़के के साथ शादी करके जाति थोड़ी चेंज हुई, मान लो ब्राह्मण लड़की है, लड़का एससी का है, शादी हो गई, लड़की तो वही रहेगी ना, उसका जन्म जहां हुआ ब्राह्मण में हुआ, तो जाति से कोई रिजर्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ आप बताओ। जैसे मान लो दोनों लड़की लड़का ने तो शादी कर ली, अब बच्चे का जन्म हुआ, तो जब बच्चा आएगा वो फिर भी एससी समझा जाएगा, जिसका लाभ मिलेगा वो माना जाएगा, वो बच्चा हमेशा लाभ की तरफ खड़ा रहेगा। अम्मा कहते नहीं तो मैं तो जनरल मानूंगी इसको, हाँ ठीक है जनरल दे भाई, कोई एससी का भी बच्चा है वो जनरल में देना चाहता है दे, लेकिन उसका लाभ नहीं कटेगा, उसका जो जो लाभ है वो देना चाहता है कि मैं तो एससी में देना चाहता हूँ, दे सकता है। ज्यादा और कम से मतलब नहीं है इसका, ज्यादा कम हाँ नहीं नहीं कोई जनरल में नहीं जाएंगे, वो माँ बाप बराबर है, एससी की लड़की है और जनरल का लड़का है, उससे पैदा हुई संतान लड़की वो भी एससी में जाएगा, माँ तो है ना एससी की वो भी एससी में जाएगा, पिता का चक्कर नहीं है यहाँ पे, पिता थोड़ा ऊंचा लेवल है, कोई लेवल ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। माँ और पिता का ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया कि मैं बड़ा मैं पिता हूं, पिता का कंसेप्ट ही खत्म है अब, इसलिए हर मार्कशीट पे उसमें सब पे माँ और पिता दोनों के नाम आएंगे। ये केस है जालान वर्सेस आरबीआई वाला, उसमें क्या था कि उसकी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था, उन्होंने पिता का नाम बदला, पिता का डिवोर्स बोले मैं पिता का नाम लेना ही नहीं चाहती, बोले पिता तो होगा, मैंने होगा होगा मैं नहीं हूँ, माँ के नाम से करो, वो लेडी सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सब हटा दिया, उन्होंने कहा पिता का कोई स्पेशलिटी नहीं है, अब पिता होने की कोई स्पेशलिटी नहीं है, माँ और पिता बिल्कुल बराबर है, है? दोनों ही आएंगे, एक का चक्कर ही नहीं है। अभी फॉर्म भरा था ना, माँ का नाम नहीं लिखा था, ऐसा था क्या पापा का लिख के काम चल रहा गया, वो कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां दोनों के नाम नहीं आए, दोनों का नहीं, अच्छा है अच्छा हुआ। अभी किसी ने मेरे को पूछा, मेरी माँ साथ बैठी कि तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तो वो मैं कहता हूं मैंने बोला राधा रानी, तो मैंने सम्मान पूर्वक बोला, अच्छा उसका नाम भी वही लिखा रखा है हमने राधा रानी, अरे मेरे साथ बैठी, अरे रानी क्यों लगा दी, राधा ही बोल देता और क्यों पूछ रहे मेरा नाम, मैंने कि माँ का नाम सब जगह, अच्छा तेरे पिताजी नहीं है इसलिए, ना ना वो मेरे से क्या प्रश्न पूछ रही थी कि तेरे पिताजी नहीं है शायद इसलिए मेरा नाम पूछ रहे हैं, मैंने कहा ना पिताजी का भी पूछते हैं, माता पिताजी नहीं भी हैं तो भी पूछेंगे,
तो दोनों का नाम इक्वल है, कोई अंतर नहीं है, बहुत सारे भेद खत्म हो चुके हैं, लड़की लड़का का कोई अंतर नहीं है, आपके लड़की पैदा हो लड़का पैदा हो आपकी संपत्ति में बराबर के अधिकार नहीं है दोनों। सेक्शन 6 ध्यान आ रहा हुआ आपका, सक्सेशन एक्ट का पढ़ा हुआ कभी आप लोगों ने? सब खत्म कर दिया। अब बाप या माँ दोनों सोचती है नहीं मैं तो अपने बेटे को दूंगी घर शहर वाला, अरे बेटे को कहां से देगी, दोनों का बराबर हिस्सा है उसमें है ही नहीं, बेटी भी तुमने ही पैदा की बेटा भी तुमने ही पैदा किया, बेटी बेटा क्या है सिर्फ बायोलॉजिकल उभार है, पिता का हो सकता है माँ का हो सकता है, वो थोड़ी सी जेनेटिक्स है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उसका कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम के संबंध में, बाकी मैं बताऊ वो भी दे सकता हूँ पर उसका कोई मतलब नहीं, यूटिलिटी नहीं है उसकी। तो समझ में आ गई दोनों सेक्शन दोनों आर्टिकल? नेक्स्ट देखो ये जो बात है ना 16:5 में जो बात कही गई है वो ये कही है कि किसी विशिष्ट धर्म वाले व्यक्ति को भी किसी विशिष्ट कार्य के लिए लिया जा सकता है, जैसे आर्मी है, आर्मी में नमाज पढ़ाने के लिए, अब नमाज पढ़ना तो मौलवी को लिया, उन्होंने कह दिया मुस्लिम धर्म का चाहिए, अब वो कहता जी ये तो धर्म के आधार पर आपने आरक्षण कर दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जातियों के आधार पर आरक्षण है, अभी कोई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, आरक्षण किसके आधार पर है, जातियों के आधार पर। मान लो कोई रंगरेज जाति है वो हिंदुओं में भी है मुसलमानों में भी है, रंगरेज मतलब छापा छपाई करते जैसे छीपा, तो छीपा मतलब छपाई वाले छीपा कहते हैं, पहले छपाई करते थे ना रजाई पे और वो, तो छपाई करने वाले मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी है, तो बहुत सारी मुसलमान जातियों को भी मिला हुआ है, बहुत सारी सिख जातियों को भी मिला हुआ है। देखो धर्म अलग टाइप से बने तो धर्म में सभी जातियों के लोग उसमें एंटर हो गए, तो जाति उसकी खत्म नहीं हुई, जाति तो क्योंकि तो चलती रही। अब जैसे क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का कोई धर्म जाति नहीं होती, सेम जातियां हैं, बहुत सारे जो जाति के लोग थे उन्होंने मान लो क्रिश्चियन हो गया, कोई धोबी है तो क्रिश्चियन हो गया, तो उसकी जाति तो वही रहेगी ना और उसका आरक्षण भी वही रहेगा, बस उसने पूजा पद्धति तो चेंज किया है, तो तुम्हारा मन करे वो वाली पूजा पद्धति रखो ना भाई, तुम्हारा मन करे तुम कल देवी को पूजो अल्लाह को पूजो गुरु नानक देव जी को पूजो कबीर को पूजो, इससे क्या असर पड़ता है, तुम्हारी जाति वही है और जाति के आधार पर जाति क्यों चुनी, कल मैंने बताया था जाति चुनी सिर्फ क्योंकि कुछ जातियां गरीब हैं इसलिए जातियों को आधार बनाकर रिजर्वेशन दिया गया, पूरी की पूरी जाति गरीब है, एक्सेप्शनली कुछ लोग उसमें अमीर हो सकते हैं, तो इसलिए यहां कह रहा है कि किसी धर्म विशेष के, जैसे पूजा करने के लिए मान लो पुजारी की जरूरत है तो कह दिया भाई पंडित जाति का होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, तो ऐसे जो जगह हैं जहां किसी धर्म विशेष के लोगों की जरूरत है तो वहां पर 16:5 में धार्मिक रिजर्वेशन है, जैसे वैसे व्यर्थ कोई लेना नहीं देना नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इस साल चिल्ला रहे थे हम मुस्लिम आरक्षण नहीं होने दे रहे, मुस्लिम आरक्षण कर कौन रहा है ही नहीं, जातियों का आरक्षण है, अब वो जाति चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो सिख हो कोई सी जाति हो क्या असर पड़ रहा है, और जातियां गरीब थी उन गरीब जातियों को सर्वे के आधार पर आरक्षण दिया गया। 16:5 16:6 पढ़ लो।
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड चार में उल्लेखित वर्ग से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधिनियम आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से। अब एक ही शब्द में याद रखो 16-6 अनारक्षित वर्ग के लिए 10% आरक्षण। कौन सा अनारक्षित वर्ग? जो ऊपर दिया हुआ है इनको छोड़कर, ऊपर जो 16 में दिए हुए ना एससी एसटी ओबीसी इनको छोड़कर, तो उन्हें अनारक्षित वर्ग कहेंगे। उसके लिए जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, कैसे आर्थिक रूप से 10% रिजर्वेशन है 16-6 में। अब ये 16 पूरा याद हो गया क्या? जैसे 16-6 में क्या है, सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, मतलब एज इट इज नहीं, आप तो उसमें से वो निकाल लो। अब जैसे 16-5 क्या है, धर्म धार्मिक आरक्षण कह सकते हो आप इसको, धार्मिक कार्यकलाप के लिए आरक्षण, धार्मिक कार्यकलाप रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज। सोलह पांच का आरक्षण जरूर धार्मिक आधार पर है, लेकिन ये जो धार्मिक आधार पर आरक्षण है ना, ये दोनों के लिए है। मान लो मंदिर के लिए चाहिए, पुजारी जरूरत है, पंडित हो सकता है, लेकिन मस्जिद के लिए चाहिए तो मौलाना हो सकता है, गुरुद्वारे के लिए चाहिए तो वो हो सकता है। अच्छा ये चाहिए कहाँ, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ? ये सिर्फ आर्मी में व्यवस्था है। आर्मी में क्या हुआ कि आर्मी जाति आधारित बनाई गई और अंग्रेजों ने ये देखा, ये जो रेजिमेंट सिस्टम था वो अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों ने ये देखा कि ये वाली जो जातियों के लोग हैं ये फौज लायक हैं, उनके कद काठी ज्यादा बड़े, लंबाई चौड़ाई, और दूसरे उन्हें लगा उनकी अपनी रिसर्च के आधार पर कि ये लड़ाकू जाति है, ये इस तरह की लड़ाई में काम आ सकती है। तो उसमें सिख रेजिमेंट बना, जाट रेजिमेंट बना, राजपूत रेजिमेंट बना, तो ये रेजिमेंट इस आधार पर बने हैं और इनके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जो जातियां, जिन जातियों की पूजा पद्धति दूसरे धर्म की है, जाति तो वही है, जैसे आप मेरठ में मेरठ मुजफ्फरनगर बुलंदशहर उस में एरिया में जाओगे तो वहां मूला जाट मिलेंगे, मतलब यहां भी एक हाईकोर्ट जज भी रहे, वो सब चौधरी लिखते हैं पीछे, बरकत चौधरी और जाने ऐसे इस तरह। यहां भी एक जज साहब थे, वो चौधरी ही लिखते हैं, उनके बेटे हैं, गवर्नमेंट काउंसिल है हाईकोर्ट में अपने, वो वहीं के हैं, लेकिन है तो जाट, लेकिन धर्म कौन सा अपना रखा है, पूजा पद्धति अपना रखी है मुस्लिम वाली। तो मान लो फौज में जाएंगे तो जाति तो वही रही उनकी, अब उसमें पूजा पद्धति बदल गई, तो कुछ लोग अलग पूजा पद्धति के, कुछ अलग पूजा पद्धति के, तो एक के लिए मंदिर बनाया तो दूसरे के लिए मस्जिद भी बनानी पड़ेगी, फिर एक के लिए पंडित लाए तो एक के लिए मौलवी भी लाना पड़ेगा। उनके लिए बनाया हुआ 16-5, समझ में आ गया 16-5 का कारण बनाने का। बाकी सामान्य में ये कोई पदवद नहीं मिलते इनके, ये सब फौज के हिसाब से ही बनाए, फौज और सीआरपीएफ और इनके लिए, क्योंकि उन जातियों के दूसरे धर्मों में भी हैं।
अब जैसे ओबीसी में जब जाटों को शामिल किया गया तो अकेले जाट, तो ये देखना पड़ा कि जाट कौन कौन सी जाति के हैं, मतलब जाट, मतलब जाट एक जाति है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी में मिलते हैं, कौन कौन सी पूजा पद्धतियां अपना रखी हैं। तो वही जाट बिश्नोई भी है, बिश्नोई कौन है, जाट ही है, लेकिन वो दूसरी पूजा पद्धति अपना रहे हैं तो उनको भी रिजर्वेशन मिला। वही जाट जट के नाम से जाने जाते हैं तो सिखों को भी मिला। वही कुछ जाट मुस्लिम में भी है तो उनको भी मिला। तो ये उस जाति को आरक्षण मिला ओबीसी में, तो उन सबको ओबीसी में ले लिया। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? और 16(4)(a) में क्या है, पदोन्नति में आरक्षण। इसमें बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। पर्याप्त प्रतिनिधित्व जिस दिन हो जाएगा वो 16(4)(a) का कोई मतलब ही नहीं होगा। देखो ऐसा हुआ क्या है कि ये जब नागराज वाला जजमेंट आया तो बहुत दिक्कतें हुई, राजस्थान में भी हुई। तो उसमें क्या हुआ कि संख्या के आधार पर जैसे प्रमोशन वाला रिजर्वेशन पहले आ रखा था तो एससी और एसटी के अधिकतर लोग ऊपर पहुंच गए प्रमोशन में वो उनकी वजह से, और जनरल के नीचे रह गए। जब जनरल के नीचे रह गए और एससी एसटी के ऊपर पहुंच गए तो उनको नीचे कैसे लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इमीडिएट करो, इनको वापस लाओ, ये तो आगे बढ़ा दिए। अब राजस्थान में क्या हुआ कि धीमे 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 इन्होंने रिप्रेजेंटेशन करके वो आगे तक चले गए, उसमें एससी और एसटी के लोगों की संख्या ऊपर तक ज्यादा हो गई। अब उन्होंने किसी को जैसे मान लो एसपी बना दिया तो डीवाईएसपी कैसे बनाए, वो तो तैयार नहीं होगा, एक बार बन लिया तो फिर तैयार नहीं है। तो फिर गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला और उसी को उन्होंने दिया कि सर हम सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने थे सबको, और ये बड़ी दिक्कत आ रही थी कि सबको ऊपर से नीचे कैसे उतारे, एक बार तो चढ़ गए। तो उन्होंने कहा सर हमने क्या किया कि ये एक ना एक दिन तो ऊपर एसपी बनता ना, डीवाईएसपी से एसपी, तो अब इसको एसपी ही बनाए रखेंगे, हम डीआईजी नहीं बनाएंगे इसको, तो वही स्टॉप कर दिया, वो यहीं से रिटायर हो जाएगा, आगे नहीं भेजेंगे, आगे इसका कोई प्रमोशन नहीं करेंगे, ऐसे करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है तरीका। तो अब क्या कर दिया, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। अब क्या होता है, अब ऐसी स्थिति नहीं आ रही, ठीक है। और 16(4) में ये रिजर्वेशन है, और 16(3) में निवास विषयक स्टेट नहीं बना सकता, 16(2) में धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है, 7 शब्द है। और 16(1) में अफसर की समता होगी लोक नियोजन में, ऐसे करके 16 में 6 क्लॉज है, 6 ही आर्टिकल कह सकते हो इनको, कितने आर्टिकल कह सकते हो, ये सब पता होने चाहिए, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। और याद कब होंगे, जब इनमें से पूरी चीज, मतलब इनके वर्ड्स अलग निकाल लोगे कुछ कुछ और ये रट लो पक्का, पूरी लाइन एज इट इज याद बाद में करना, पहले उन शब्दों को याद कर लो। 15 याद हो गया, 16 याद हो गया, अब जो 17 है ना, एक लाइन का ही है, क्या है 17, अस्पष्टता का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत। छुआछूत का मतलब है कि साथ बैठना, साथ खाना, साथ रहना, इन सब चीजों से दूरी बनाना,
इसके लिए ही फिर बाद में, पहले तो एक सिविल एक्ट आया था, उसके बाद फिर ये SC ST एक्ट आ गया। अब इसमें इस तरह का, तो ये कहता है कि किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का जो कार्य है ना वो अनटचेबिलिटी समझा जाएगा। जो इस कैटेगरी के संबंधित लोगों के साथ किया गया है, तो 17 में कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं, सिर्फ ये पूछ सकता है कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, और 18 में अब देखो ये असमानता ही तो थी, कौन सी उपाधियां, कई सर के नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं, तो वो उपाधियां अंग्रेज देते थे, अवार्ड देते थे, तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे भारत में भारत रत्न मिलता है, और अमरीक वहां पे पाकिस्तान में इम्तियाज पाकिस्तान, तो जहां दिलीप कुमार थे, चूंकि दिलीप कुमार, मनमोहन सिंह, अडवाणी, ये सब लोग आज के पाकिस्तान में जन्मे थे। आप देखो ये बड़ी उपलब्धि की बात है, इनके परिवार वहां से छोड़कर आए थे, दिलीप कुमार, ये सब जो बड़े बड़े, आप देखो कितनी ऊंचाइयां छुई फिर इनके बच्चों ने आके यहां। आप देखो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, अडवाणी उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, दिलीप कुमार देश के बड़े अभिनेता रहे, संजय दत्त अभिनेता के साथ साथ मंत्री रहे, ये वो पर्सनालिटी हैं जो वहां से छोड़कर आई थी। यहाँ ये मतलब रिफ्यूजी कैंप में रहे, छोटे छोटे काम किए, फिर ये बड़े बने। तो उन्हें इम्तियाज पाकिस्तान का इनविटेशन आया, हमने भी दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, उनको भारत रत्न दिया था। उन्होंने बहुत विरोध किया भारत पाकिस्तान का, जब वो चल रहा था तो उन्होंने ही विरोध किया था, बोले नहीं मैं भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अलग और नहीं बनने देंगे। तो उनका था सीमांत, मतलब सीमा पे जो अफगानिस्तान उधर पख्तून जहां रहते हैं उस एरिया में उनका होल्ड था, तो उनके कार्यों के लिए भारत ने भारत रत्न दिया। जब वो आए, बुजुर्ग थे, यहाँ लेने आए इंडिया में, बड़ा सम्मान हुआ उस समय उनका। ऐसे ही दिलीप कुमार को इम्तियाज पाकिस्तान की बात आई, तो जब वो लेने जा रहे थे तो उन्होंने अटल जी से पूछा कि ये इनविटेशन आया है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो बोले ये निर्णय आपको खुद करना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि बिना राष्ट्रपति की परमिशन के आप कोई उपाधि नहीं ले सकते, राष्ट्रपति की परमिशन के कोई उपाधि नहीं ले सकते। और तो और जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को जो सामान मिलता है ना, गिफ्ट मिलता है, सब गिफ्ट आपको भारत सरकार में जमा कराना होता है, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री को मिला है तो प्रधानमंत्री खुश हो जाए, मंत्रियों को मिला है तो मंत्री खुश हो जाए, मंत्रियों को गिफ्ट दे दे के, मान लो वहां उन्होंने हीरे सोने चांदी ये सब चीजें गिफ्ट देना शुरू किया, तो वो उसी देश की बोलेगा मंत्री, तो मंत्री कुछ भी नहीं लेके आ सकता बाहर से, गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकता। गिफ्ट देते हैं वो, तो वो वैसे कह देते हैं देखो ये ऐसा है कुछ भी दो, हमें तो वहां जाके जमा कराना पड़ेगा भारत सरकार में, वो हमारा है ही नहीं, हम हमारे घर तो ले जा सकते नहीं। जब जब थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि प्रधानमंत्री को जो बाहर से गिफ्ट सबको नीला किया गया, उसमें
नीलाम किया गया तो उसमें ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी की कोई उपलब्धि ले ही नहीं सकते थे ना, वो तो थी भारत सरकार का, क्योंकि आर्टिकल 17 परमिशन नहीं देता भाई। अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए सभी ने जमा कराया और उनको नीलामी हुई, नीलामी उसे वो पैसा मिला, पैसे से वो गवर्नमेंट का पैसा हो गया। लेकिन इनकी कोई ये उपलब्धि नहीं साहब, हमने साहब नीलाम करा दिया, हमें जितने मिले थे। अरे तुम्हारे थे ही नहीं वो, जो भी प्रधानमंत्री बनता है बाहर से कोई भी गिफ्ट आती है उसको गवर्नमेंट में जमा कराना होता है, वो किसी को नहीं जाता। ठीक है, अब बात आ भारत रत्न और ये कैसे चल रहे हैं फिर। देखो इसमें ये था कि इनको जनता सरकार आई 1977 में, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री बने। बाद में थोड़े दिन बाद, 2.5 साल पूरा हो गया, फिर बाद में वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने क्या है कि ये सारे के सारे अवार्ड जितने भी भारत रत्न वगैरह सब बंद कर दिए, ये नहीं चलेंगे। लेकिन सरकार दोबारा आई तो उन्होंने कहा कि ये सम्मान चिन्ह है, ये ऐसे नहीं है कि इससे समाज में एक भेद होता हो, तो ये मात्र सम्मान चिन्ह है। क्योंकि आर्टिकल क्या है, राइट टू इक्वलिटी, हम जितना पढ़ रहे थे वो सारा का सारा क्या था, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल करने की बात थी। लेकिन जो कमजोर है उसको अनइक्वल करके सपोर्ट करने की बात थी, चाहे नौकरी के माध्यम से करो या किन्हीं अन्य बातों से करो, पैसा देकर करो, तो वो सपोर्ट भी था आर्टिकल 19। अब देखो यहां पे आर्टिकल 19 से लेकर हाँ करा रहा हूँ ना मैं तो आज टारगेट फंडामेंटल राइट्स पूरे करेंगे। फंडामेंटल के ब्रेक के बाद दोबारा कर देता। अरे 1:30 बजे मैंने किसी को 1:30 बजे मैंने किसी को बुला रखा है। अभी यहाँ 1:30 बजने तो किसी को बुला रखा है तो कम से कम वो। अब देखो आर्टिकल 19 क्या होता है, वो तो वो सारी चीजें वो आपके भी हो रही होगी, बस एक ही आवश्यकता होती है कि भाई पानी ज्यादा पी रहे हो तो आपको टॉयलेट जाना है, बाकी तो 4-5 घंटे की क्लास हमेशा से ही लेते रहा हूं मैं तो। खैर दिमाग तो 24 घंटे का कभी बंद ही नहीं करता, वो तो जिंदगी अंत होगा तब करेगा बंद। दिमाग कभी करता है क्या काम बंद करना? जो चीज है ना वो मन की है, मन थकता है। क्या चीज थकता है? मन थकता है। और आप तो आराम से बैठे हो, खड़ा तो मैं ही हूं। देखो अनुच्छेद 19 क्या है,
एक शब्द है स्वतंत्रता का अधिकार, काय का अधिकार, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना, 19, 20, 21, 22 चार आर्टिकल में मिलकर बना हुआ है, 23 अलग है, चार आर्टिकल में, तो स्वतंत्रता के अधिकार से ही जुड़ी हुई है सारी चीजें। अकेला अकेला 19 में नहीं दे रखा, 20 भी इसी का हिस्सा है, 21 भी इसी का हिस्सा है और 22 भी इसी का हिस्सा है। स्टूडेंट बहुत मतलब एक याद कर लेंगे 19 में स्वतंत्रता का और फिर 20 में क्या है, तो वो कहेंगे 20 में तो दूसरी चीज है, अरे वो भी स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, मैं बताऊंगा कैसे जुड़ी हुई है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार है। तो कहता है धर्म मूलवंश सॉरी विचार व्यक्ति विश्वास हाँ वाक व्यक्ति। अब देखो यहां पे छह स्वतंत्रताएं दे रखी हैं 19 के क्लॉज 1A में, कितनी क्लॉज 1, फिर ए बी सी डी ऐसे करके छह स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो पहली जो स्वतंत्रता है वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हाँ सर, हाँ तो उसकी क्या एक बार मैं क्लास में हूँ, अभी 5-10 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। सिखा कह रहे 6 का आर्टिकल क्लॉज 6 मिस जाए तो मैं नया खरीद लू बैग है। तो देखो विचार अभिव्यक्ति, ये क्या है विचार अभिव्यक्ति, जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं मस्तिष्क में उन्हें आपको कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन लेकिन 19 के क्लॉज 2 में 8 रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। 19 के क्लॉज 2 में आपकी विचार अभिव्यक्ति पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब ये विचार अभिव्यक्ति क्या है, देखो अभिव्यक्ति जो आप एक तो बोल रहे हैं, इसके अलावा आपने कोई ऐड दिया, आपने कोई किसी को कोई चित्र बनाया, ये सब चीजें विचार अभिव्यक्ति में आती हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक व्यक्ति ने ममता बनर्जी का चित्र बना दिया, और ममता बनर्जी का चित्र ही नहीं बनाया, उन्हें काली का रूप दिखा दिया, ये माँ का। अब उन्होंने क्या किया कि वो मुख्यमंत्री रही है तो वो हैं अभी मुख्यमंत्री, उन्होंने अरेस्ट करा लिया तो उसने कहा कि साहब मेरे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ये, ठीक है मैंने इनकी शकल का काली बनाई तो ये तो मेरा अपना इच्छा है, उन्हें उन्होंने छोड़ दिया। वो क्या कर सकती हैं, मान लो डिफेमेशन का केस कर सकती हैं, इसमें ऐसे अरेस्ट नहीं करा सकते थे, किसका केस कर सकते हैं, डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं करा सकते थे। तो इसमें जो रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, अब जैसे एक बार क्या हुआ, एक मामला था जिसमें टाटा कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया बिहार में, और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता हमें भी है,
तो कंपनी को भी मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो बेचारा व्यक्ति है ना, कंपनी को नहीं है, केवल लिविंग पर्सन को है। किसको है? लिविंग पर्सन है, और लिविंग पर्सन नागरिकों में नहीं आते, ये नागरिकों में नहीं आते।